हेलो गाइस गाइस, आज के वीडियो में यार मैं आपके लिए कंप्लीट एसएमसी का कोर्स लाया हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लाया हूँ, वो भी पूरा का पूरा फ्री। एक वीडियो में गाइस इंटायर जो कंप्लीट होता है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट भी मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, कंप्लीट जो एसएमसी का जो कोर्स है उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट भी नहीं छोड़ा है। मतलब कि आपको कंप्लीट कोई भी, अब आपको कोई भी अदर कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई भी महंगे महंगे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ फ्री में मैं आपके लिए एसएमसी का कोर्स लाया हूँ गाइस। गाइस, ये कोर्स का खासियत ये होगा कि ये कोर्स देखने के बाद में आपको एसएमसी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहने जा रहा है। ये कोर्स में मैंने सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर साथ साथ में मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाया है, जिससे कि आपका एसएमसी जो है सो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी कमजोर ना रहे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। गाइस, मैं अनिकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड विद अनी, और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है और जितने भी इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक्स चीजें होती हैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। गाइस, मैं इस वीडियो का शुरुआत एक सीक्रेट को रिवील करके करना चाहता हूं, एक सीक्रेट का खुलासा करके करना चाहता हूं। गाइस, अगर आप प्राइजेक्शन कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, बहुत बार होता है ना कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्राइजेक्शन कंप्लीट होगा, या फिर जो प्राइजेक्शन में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, कैंडलस्टिक्स, बहुत कुछ नॉलेज है उनके पास में, फिर भी वो काम नहीं करता है मार्केट में। कभी आपने ट्राई किया है रीजन जानने का? उसका रीजन सिंपल सा एक ही है कि आपने प्राइजेक्शन तो सीख लिया पर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो सीखा ही नहीं है। कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए प्राइजेक्शन प्लस एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जब दोनों का नॉलेज आपके पास में होगा तभी आप पैसे बना पाओगे मार्केट से, ऐसे आप बना नहीं पाओगे मार्केट से पैसे। तो गाइस, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, वरना तो लोग इसे पेड कोर्स रखते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पेड कोर्स रखते हैं, मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। गाइस देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहां बोलने से मतलब है कि वो पैसे जो मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट में लगते हैं, ठीक है, वो पैसे जो मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट में लगते हैं, वो पैसे को जानना। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहां बात करता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का, यहां बात करता है वो लोग जो मार्केट को चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े व्हील्स, इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, ठीक है, यही सब मार्केट को चलाते हैं। आप लोग जो बोलते हो ना, अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, जो बड़े बड़े मूव होते हैं ना, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लाते हैं मार्केट में। तो ये कहां पर एंट्री लेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जान जाओगे ना, तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये यहां पे एंट्री करेंगे, ये यहां पे एंट्री करेंगे, सार सब कुछ आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ में ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे लोगों को फंसाते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, वो कहां पर एंट्री लेते हैं, कहां पर लोगों को फंसाते हैं। ठीक है, फेक आउट जो मार्केट में आप लोग सुनते हो, वो फेक आउट हो गया। ठीक है, फेक आउट कौन दे रहा, ये दे रहे हैं व्हील्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, और बड़े बड़े बैंक्स, ये जो मार्केट मेकर है, ठीक है, ये देते हैं फेक आउट। तो वो फेक आउट को आप पहले ही पहचान लोगे। ठीक है, क्या है, फेक आउट को पहले ही पहचान लोगे, ट्रैप को पहचान लोगे, और बहुत कुछ आप पहचान सकते हो जितना भी चाल होता है, ठीक है ना, ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का, मार्केट मेकर का, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानोगे तो। तो कोई भी अगर आपसे पूछे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको बस ये बताना है कि जो मार्केट मेकर होते हैं ना, उनके चाल को पहचानना, वो कहां पर एंट्री ले रहे हैं, कहां पर एग्जिट कर रहे हैं, कहां पर ट्रैप फंसा रहे हैं, ठीक है, कहां पर जाल बिछा रहे हैं, ठीक है, ये सब जानने को ही क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। गाइस, तो देखो, अब उसके लिए, इसको जानने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने तरह के लोग हैं। क्या आपको बता सकते हो मार्केट में कितने लोग हैं?
लाखों करोड़ों, अब ऐसे बोलोगे पर ये गलत आंसर है। मार्केट में बस दो, जब भी कोई पूछा मार्केट में कितने लोग हैं तो दो, कौन? एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, मतलब एक हम आप और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहां बोलने का मतलब है मार्केट मेकर, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो अरबों में 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इस तरह एक बार में शेयर्स को खरीदते हैं या फिर करेंसी को खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज कॉमोडिटी हो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट कितने अरबों में, ठीक है, तो वो किसे कहते हैं, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। और दूसरे होते हैं रिटेलर, हम लोग जो लाख, दो लाख, पांच लाख, हजार, पांच हजार, दस हजार, इन सब चीजों से जो ट्रेड करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिटेलर, ठीक है। तो वो आप यहां पर देख सकते हो, मार्केट, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और रिटेलर, दो दो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है, एक होता है रिटेलर ट्रेडर। तो आज के बाद से आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और रिटेलर मार्केट में बस दो होते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं एक मनी का कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। गाइड्स, क्या आपको पता है कि मार्केट में देखो दो लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और एक रिटेलर ट्रेडर है। तो जब भी याद रखना, अगर इंस्टीट्यूशनल अगर प्रॉफिट करेगा तो लॉस कौन करेगा? रिटेलर करेगा। और अगर रिटेलर अगर प्रॉफिट करेगा तो लॉस कौन करेगा? इंस्टीट्यूशनल करेगा। समझ रहे हो, इसे रिटेलर मानो, इसे इंस्टीट्यूशनल मानो। यहां पर याद रखना, मार्केट में पैसे आ कहां से रहे हैं? जो हम लोग नुकसान करते हैं, हम लोग प्रॉफिट करते हैं। एक कोई अगर प्रॉफिट करता है तो दूसरा नुकसान करता है, दूसरा अगर प्रॉफिट करेगा तो पहला नुकसान करेगा। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें पैसा दे रही है कि जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट में इसीलिए ट्रेडिंग को बोला जाता है कि ट्रेडिंग, बस ट्रेड करने की चीजों को ट्रेडिंग नहीं कहते, ठीक है। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां पर अपने दिमाग से, क्या, अच्छे से सुनो, अपने दिमाग से दूसरे का पैसा छीनना होता है और साथ में ही अपना पैसा बचाना होता है। क्या बोले, फिर से सुनो, अपने दिमाग से दूसरे का पैसा छीनना होता है और जो अपना पैसा जो मार्केट में लगाए हैं उसे बचाना भी होता है, ठीक है। इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो पर डे समझो तो एक मैदान में जाते हैं, ठीक है, एक जंग का मैदान होता है जहां पर अपना पैसा बचाना होता है और दूसरे का पैसा छीनना होता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। जो लोग हंसते हंसते एकदम प्रो होते हैं ना, मजाक मजाक में आ जाते हैं मार्केट में, दो दिन देख लिए वीडियो कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, देख लिए, ठीक है, और एकदम से लाखों रुपए लेकर के मार्केट में उतर गए, उनके साथ क्या होता है? उन्हें मार्केट मारपीट करके भगा देती है, उनका पैसा छीन करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। अगर सच में बोलूं तो एक टफ चीज है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, मार्केट में क्या, इंस्टीट्यूशनल, रिटेलर, एक कोई जीतेगा, दूसरा कोई हारेगा, दूसरा जीतेगा पहला हारेगा, एक नुकसान करेगा दूसरा प्रॉफिट करेगा, दूसरा प्रॉफिट करेगा तो पहला नुकसान करेगा, सिंपल सी बात है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो धन का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइस धन ने जो है सो ट्रेडिंग व्यू के साथ में पार्टनरशिप किया है, जिसके बाद से आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही ट्रेड ले सकते हो। आपको अदर कोई भी दूसरे ऐप के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, फोन ओपन करके कोई भी दूसरा वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है गाइस कि आप अपना अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करो, अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद में यहां पर आपको एक साइन दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक करो, देखो यहां पर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जब आप कनेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर देखो धन का आपको एक सिंबल मिल रहा होगा, बस इसको आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और बस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू के साथ में ही आप यहीं पे बस चार्ट को एनालाइज करना और तुरंत ट्रेड ले सकती हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब यहां पर समझो कि इंस्टीट्यूशनल के पास में क्या क्या हथियार है जिसके थ्रू से वो अप्लाई करते हैं, कितना दिमाग है, अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है, कितना दिमाग है अब हम लोग वो देखते हैं, और फिर देखेंगे रिटेलर्स के पास में क्या क्या है जिसका अप्लाई करके वो पैसे कमा सकता है, जिसका अप्लाई करके वो दूसरी वो इंस्टीट्यूशनल के पास से पैसे कमा सकता है, ठीक है, वो दोनों चीज देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल से,
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल को देखते हैं डीपली में कि इंस्टीट्यूशनल के पास में क्या होता है, आखिर हम लोग इतना वैल्यू क्यों देते हैं इंस्टीट्यूशनल को, इन्हें मार्केट मेकर क्यों बोला जाता है, आखिर रिटेलर्स, देखो इंस्टीट्यूशनल मार्केट में बस ज्यादा नहीं है, 2-4% होगा, ठीक है, 2-4% इंस्टीट्यूशनल है, बाकी 90-95% जो लोग है ना वो रिटेलर है, फिर भी इंस्टीट्यूशनल इनके ऊपर भारी है और फिर भी इंस्टीट्यूशनल को बोला जाता है ये है मार्केट मेकर, क्यों? कभी आपने सोचने का ट्राई किया है क्यों? अभी मैं बताता हूं आपको। देखो इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल के पास में सबसे बड़ा हथियार जो है उनके पास में पैसा है, मूव मार्केट मनी, ये जो मनी है वो उनके पास में सबसे बड़ा है मनी, ठीक है, उनके पास में खरबों रुपए बहुत ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, वो शेयर में अगर इन्वेस्ट भी करते हैं ना, ठीक है, तो वो लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 2000 करोड़ इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक रिटेलर, एक आप और हम जैसे लोग, ठीक है, अगर हम लोग अमीर भी हो कितना इन्वेस्ट करेंगे, 2 करोड़ 5 करोड़ बस, 10 करोड़ बस, इतना ही, उससे ज्यादा तो आखिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लोग होगा जो इन्वेस्ट करता होगा, नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या बिग व्हेल्स कहेंगे, ठीक है, बिग व्हेल्स, ठीक है। और दूसरा इनके पास में जो सबसे बड़ा हथियार है वो होता है डाटा, यही वो चीज है जो हम लोग को बर्बाद करता है, ये जो हम लोग जो हो ना है ना रिटेलर्स लोग, उनको बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हथियार अगर इंस्टीट्यूशनल के पास में कहा जाए तो वो क्या है, वो है उनके पास में डाटा। अब किस चीज का उनके पास में डाटा है, डाटा इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता है, एक सीक्रेट मैं भी आपके सामने मैं रिवील करता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। गाइस क्या आपको पता है, जो आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो ना, लॉन्ग शॉर्ट जो भी एंट्री आप ले रहे हो, ठीक है, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, सारा डाटा इनके पास में होता है, सारा डाटा इनके पास में होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सारा डाटा होता है, ठीक है। अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कैसे होता है, अब मैं थोड़ा समय हिंट्स देता हूं। जैसे कि देख लो, अगर आप गुरु ऐप पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर स्टॉक का ट्रेड कर रहे हो गुरु ऐप पे कर रहे हो, या फिर और भी जो जो रौधा और भी 2-4 जो है स्टॉक वाले, ठीक है, एक्सचेंज का जो ऑनर है, ठीक है, या फिर आप अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हो, बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस का जो CJ है, FTX और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, ठीक है, उसी तरह फॉरेक्स के भी एक्सचेंज है, तो उनके जो ऑनर है यही तो है वेल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, यही लोग तो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, यही लोग है मार्केट मेकर, और यही लोग जो है सो अपने कुछ लोगों में अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, यही लीक करते हैं इंफॉर्मेशन को, वरना इंफॉर्मेशन जाएगा कैसे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके ऐप पे ट्रेड करते हैं, सोचो एक बात को, ठीक है, हम लोग जाते हैं इनके ऐप पे करते हैं ट्रेड, तो अगर इनका ऐप है तो इनके पास में सारा डाटा है, ठीक है, कि वो देख लेंगे, अरे यार सबसे ज्यादा लोग अभी शॉर्ट कर रहे हैं, चलो मार्केट को लॉन्ग करते हैं, इनका सबका स्टॉप लॉस हिट करते हैं और हम पैसा कमाते हैं। इन लोग ये देखते हैं कितना वो 10 करोड़ से भी शॉर्ट किया गया है, सारे रिटेलर, मान लो कि बहुत सारे रिटेलर कोई सपोर्ट का एरिया है वहां से लॉन्ग कर रहे हैं और करीबन 10-15 करोड़ रुपए से लॉन्ग हो रहा है सारे रिटेलर, मान लो लाखों रिटेलर लोग लॉन्ग कर रहे हैं और 200-500 करोड़ हो गया, ये क्या करेंगे, ये 1000 करोड़ से शॉर्ट मारेंगे मार्केट को, क्या ये 1000 करोड़ से शॉर्ट मारेंगे मार्केट को, उससे क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट, या फिर 600 करोड़ से 700 करोड़ से इस तरह धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे। ऐसा बात नहीं कि ऊपर सांप बना देंगे, खाई बना देंगे, इनके पास में सारा इंफॉर्मेशन है ना कि कितने अमाउंट से इन्हें शॉर्ट मारना है, ये भी इन्हें पता है, क्यों, क्योंकि हमने कितना अमाउंट में ट्रेड लिए हैं, ठीक है, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस है, कहां पर हमारा एंट्री है, कहां पर हमारा एग्जिट है, हमारा टेक प्रॉफिट है, सब कुछ इनको पता है, इसलिए ये क्या हमें फेक आउट देते हैं, ये हमें ट्रैप करते हैं, कैसे कर पाते हैं, कोई भी थोड़ा सा समझो एक बात को, कैसे कर पाएगा कोई भी, अगर उसके पास में हमारा डाटा नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा। इसीलिए एक फेज होता है, एक बात याद रखना, अगर आप बिगनर्स हो, थोड़ा सा अगर आप बिगनर्स का लेवल अगर पार कर चुके हो, 6 महीने या 1 साल आपके हो चुके हैं, तो फिर एक फेज से आप गुजरे होंगे, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आया होगा आपके लाइफ में,
या फिर मे भी अभी भी ऐसा आ रहा होगा कि आपको लगता होगा, ठीक है, कि अरे यार मेरे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा दिया है, ठीक है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे अगेंस्ट चला जाता है, और जब मैं ट्रेड नहीं लेता और बस दिमाग से सोचता हूं अभी मार्केट को नीचे जाना चाहिए तो मार्केट नीचे चला जाता है, और जब जब मैं ट्रेड लेता हूं उल्टा चला जाता है, और सारे नॉलेज मेरे पास में है, मैंने हेड एंड शोल्डर पढ़ के रखा है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ के रखा है, मैं अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके ले रहा हूं, फिर भी ऐसा हो रहा है कि मैं सपोर्ट देख लिए, सपोर्ट के पास में डोजी बना, फिर एक बुली बियरिस इनगल्फिंग कैंडल बना, फिर मैं शॉर्ट मारा हूं अच्छे तरीके से कैंडलस्टिक्स का नॉलेज ले करके, फिर भी क्यों? अब समझ में आया क्यों? क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन चला जाता है बिग व्हेल्स के पास में, अरे भाई वो तो पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे, आपका पैसा याद रख लो, आपके अगेंस्ट में जाने से उनको सबसे बड़ा फायदा जो है वो है उनकी उनके पास में आएगा आपका स्टॉप लॉस वाला पैसा, जो आप लॉस करोगे वो उनके पास जाएगा। तो कोई भी इस मार्केट में क्यों है? पैसे कमाने के लिए यार, बस ऐप पर जा करके बाय और सेल सीख लेना ट्रेडिंग नहीं होता है, इसलिए लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता है, यहां पर होता है तो वो होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी कि हाँ ट्रेड, कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर होगा ना वो भी ये बात नहीं बोल सकता 100% श्योर हूं अब मार्केट नीचे जाएगा, नहीं बोल सकता है, क्योंकि यहां पर मार्केट कभी भी रूल पर नहीं चलता है, रूल और रेगुलेशन मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अब आपका हेल्प क्या करेगी वो मैं बताता हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहां पर क्या करेगी, यहां पर जो इंस्टीट्यूशनल है वो कब फेक आउट देंगे पहले ही आपको पता चल जाएगा, उनके चाल को, उनका जो सोच है, ठीक है, उसको समझने में आपकी मदद करेगी क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आपकी क्या करेगी, उनके चाल को समझने में मदद करेगी। इसलिए प्राइजेक्शन बस सीख करके आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है, साथ साथ में आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। अब हमारी दूसरे तरफ अगर देखा जाए वो आता है रिटेलर, यहां पर रिटेलर आ गया, रिटेलर के पास में क्या है, न उनके पास ज्यादा पैसा है और न उनके पास में क्या डाटा उटा कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिटेलर्स के पास में कुछ है, ठीक है, जो कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आप लोग रिटेलर हो, ठीक है, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, और कुछ है तो वो होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और नॉलेज, वो बस आपको रखना है। प्राइजेक्शन प्लस, याद रख लो, प्राइजेक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुल ट्रेडर, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, प्लस साइकोलॉजी भी मैटर करता है, ठीक है, पर साइकोलॉजी अब मार्केट में खुद ब खुद सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो साइकोलॉजी आप खुद ब खुद सीख लोगे, पर मेन चीज जो कहा जाए प्राइजेक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और जो बेसिक्स कोर है कि कैसे मार्केट रन करती है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का सारा चाल सारा गेम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि जितना डाटा जितना जानना आपके लिए जरूरी था वो सब कुछ मैं बता चुका हूं, ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, कमेंट में आपका रिप्लाई मिलेगा। और गाइस देखो, अगर वीडियो अगर कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे अगर वीडियो चाहते हो, कंप्लीट कोर्स फ्री दूंगा, ठीक है, तो यार कमेंट करो, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, इतना भी आप लोग अगर एफर्ट अगर नहीं कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये बात मैं हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूं। कोई भी यार क्यों बनाएगा वीडियो जब तक उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तब तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। अब साथ में ही अब आप लोगों के लिए मैं एक चीज में बताता हूं, ठीक है, एक सिलेबस शेयर कर देता हूं कि मैं क्या क्या कवर करूंगा। सिलेबस गाइड्स, अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले जाकर के मार्केट स्ट्रक्चर सीखो। दूसरा है ऑर्डर फ्लो, ठीक है, तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक, चौथा है पुल बैक, पांचवा इंड्यूसमेंट, छठा स्टॉप लॉस एरिया, सातवां ट्रैप, आठवां लिक्विडिटी जोन,
9वां प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी और 10वां प्रैक्टिस। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने जा रहा है, तो डोंट वरी, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करवाऊंगा। ठीक है, और ये सब कुछ देखने के बाद में एक आप अच्छे खासे एसएमसी के नॉलेज गेन कर लोगे। बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लोग आपको कितना गलत बताते हैं, ठीक है, और बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको अक्सर यूट्यूब पर 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, कि वीडियो आपको मिली, जिसमें वो आपको दावा करते हैं आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने का, पर गाइस वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप सीख जाओगे तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो आप खुद बता पाओगे। क्या अभी आप बता पाते हो कि हाँ आपका नेक्स्ट मूव कौन सा है मार्केट का? अगर नहीं बता पाते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। गाइज मार्केट स्ट्रक्चर, इसका मार्केट, देखो मार्केट स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिल करके बना है, पहला मार्केट और दूसरा है स्ट्रक्चर, मार्केट और स्ट्रक्चर। अब मार्केट का मतलब होता है बाजार, ठीक है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, मतलब बाजार का ढांचा क्या होगा, ठीक है, बाजार का ढांचा क्या होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। गाइज अगर मैं पूछूं हमारा ढांचा क्या है, तो आपके सामने देखो मैंने ये फोटो रखा है, ठीक है, देख लो हमारा ढांचा कैसे है, ठीक है, ये ढांचा ही हमें खड़ा करने में, खड़ा होने में, चलने में, देखने में, सीधा देखने में सारा हेल्प करता है, ठीक है, सारा हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ढांचा होता है, ठीक है, उसी तरीके से मार्केट का भी ढांचा होता है। तो गाइज अब क्या है, अब मैं आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे उसका आंसर दो। अभी मान लो कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं खड़ा हूं, मान लो, ओके, वैसे मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, पर मान लो मैं खड़ा हूं। अभी अगर कोई बोले मुझे 10 कदम चलूं, तो मैं किधर चलूंगा? आपको पता है कि मैं आगे आगे कैमरा की तरफ चलूंगा, आपकी तरफ आऊंगा, कितना 10 कदम। क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं इधर 10 कदम जाऊंगा या इधर जाऊंगा या पीछे तरफ जाऊंगा? उसका सिंपल सा एक रीजन है कि आपको मेरा स्ट्रक्चर पता है, इंसान का स्ट्रक्चर पता है, कि इंसान जब वो सामने की तरफ देख रहा है, सामने की तरफ जब उसका फेस है, ठीक है, तो वो पैर से कभी भी पीछे की तरफ नहीं चल सकता है, ठीक है, इंसान हमेशा सीधा चलता है आगे की तरफ। आपको पता है ये बात, तो श्योर हो ना कि अगर हम लोग खड़ा होते हैं तो हमेशा हम लोग अपने सामने चलते हैं, ना कि हम लोग अपने पीछे चलते हैं। पीछे जाने के लिए मुझे अपना फेस पीछे करना पड़ेगा, मुझे अपना पूरा बॉडी पीछे की तरफ करना पड़ेगा, तब मैं उल्टा तरफ जा पाऊंगा, नहीं तो अगर मेरा पूरा बॉडी अगर स्ट्रेट है तो मैं सीधा जाऊंगा। ये बात आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको मेरा बॉडी स्ट्रक्चर पता है, हमारा घुटना, हमारा ये जो हड्डी जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे घुटने हैं, ठीक है, ये पीछे की तरफ बैंड होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, न कि आगे तरफ, ये कभी नहीं बैंड होता है। कभी भी पैर को आप स्ट्रेट कर लोगे पर क्या आगे की तरफ मोड़ पाओगे? कभी नहीं मोड़ पाओगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा है, हमारा जो कंकाल है, हमारा जो ढांचा है वही वैसा है। तो गाइस ये बात तो श्योर हो कि हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, क्यों? क्यों आपने आंसर दे दिया? क्योंकि आपको मेरा स्ट्रक्चर पता है। अब उसी तरह गाइस जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि मार्केट मान लो कहीं पर है, और अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्केट किधर के किधर जाएगी, ठीक है, तो आपने देखा ना बहुत सारे जो लोग बहुत ही पुराने पुराने ट्रेडर होते हैं, ठीक है, 10-15 साल मार्केट में बिता लेते हैं समय, ठीक है, उन लोग एक बात बोल देते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहिए या मार्केट नीचे जाना चाहिए, इजीली बता देते हैं, और वैसा होता भी है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, वो देख रहे हैं कि ओ मार्केट का तो फेस ऊपर तरफ है, हाँ ऊपर तरफ है, ठीक है, तो हाँ मार्केट को यहां से ऊपर तरफ जाना चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं कि मार्केट का फेस किधर है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है मार्केट का ढांचा, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें आप कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर आप सीख लोगे, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मार्केट का जो कंकाल है, मार्केट का जो ढांचा है, ठीक है, वो कैसा होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, और अभी मार्केट किधर जाएगी, मार्केट का फेस किधर है, मार्केट का चेहरा किधर है और मार्केट किधर जाएगी, ठीक है, ये बात
क्लियर हो जाएगा अभी थोड़े टाइम्स में। तो गाइस यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। लोग बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर जान जाओगे तो मतलब सिंपल सा बात है मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या नेक्स्ट सपोर्ट को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी ये पता चल जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी ये पता चल जाएगा। बहुत बार आपका क्वेश्चन रहता है ना, सपोर्ट टूट जाता है, रेजिस्टेंस टूट जाता है, क्यों क्यों टूटता है? क्योंकि मार्केट की चाल और किस तरफ टूटेगा ये भी बहुत सारे लोगों को पता होता है जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर पता है, अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चार पांच वीडियो इसके ऊपर आएगी और बहुत बारीकी से इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैं ये चीज दावा करता हूं कि आज से पहले YouTube पर कोई भी कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज नहीं लाया है। ठीक है, मैं सारे सीक्रेट्स आपके सामने खोल दूंगा, बस आपको क्या करना है, एक बहुत प्यारा सा कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो गाइस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब हम लोग एक मोटा मोटी सा एक चीज देखते हैं। ठीक है, जो सारे लोग बताते हैं, बेसिक्स देखते हैं। गाइस उससे पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग सी चीज बताता हूं। ठीक है, वो क्या, आज तक आपने सुना होगा कि मार्केट हमेशा इस तरह से चलती है, किस तरह से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब इस तरह से चलती है। ठीक है, पर गलत हुआ, मार्केट इस तरह से चलती ही नहीं है, मार्केट कभी कभी इस तरह से चलती है, कभी कभी शायद ही। ठीक है, पर मार्केट चलती है इस तरह से। ये जो भी जितने भी सारे यूट्यूबर्स किताब, ठीक है, गूगल कर लो, आप कहीं भी देख लो यार, सारे लोग बोलेंगे मार्केट चलती है इस तरह से, मार्केट का स्ट्रक्चर ये होता है। गलत, और ये मैं गलत कैसे बोल रहा हूं, आप भी देखते होंगे मार्केट में कि यार कहां दिखता है इस तरह, ये एकदम पूरा इस तरह का मुझे तो नहीं दिखता यार। हाँ, कभी कभी दिखता है, क्या बोले, अगर 100 बार अगर आप मार्केट को देखोगे ना, उसमें 2-4 बार आपको इस तरह से दिखेगा, पर इस तरह का आपको बहुत दिखेगा, उल्टा सीधा ऊपर नीचे। ठीक है, पर ये भी स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक्साइटिंग सा चीज मैंने बताया है गाइस, तो चलिए अब हम लोग बेसिक्स शुरू करते हैं। गाइस अभी आपके स्क्रीन पे ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक पिक्चर है। ठीक है, जिसमें मार्केट का चार फेज होता है, क्या चार फेज होता है, क्या, एक होता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज। ओके, एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज। दूसरा हमारा होता है मार्कअप, मतलब अप ट्रेंड। ठीक है, इसे आप मार्कअप कह सकते हो या फिर आप इसे अप ट्रेंड बोल सकते हो। तीसरा हमारे पास में होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, चौथा हमारे पास में होता है मार्क डाउन, मतलब डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार फेज है। अब ये चार फेज मतलब बताता हूं, ठीक है, बताता हूं गाइस। एक्यूमुलेशन मतलब साइड फेज। ठीक है, मार्केट, मार्केट क्या करती है, मार्केट बहुत बार आपको साइडवेज चलेंगे। अब साइडवेज का मतलब देखो, मार्केट एक ही जगह पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, मार्केट एक ही जगह पे अप डाउन करते रहती है, एक ही रेंज पे, एक ही लाइन पे, ऊपर भी नीचे भी एक ही लाइन रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से मार्केट मार्केट साइडवेज, इसे साइडवेज कहते हैं, और इसी को एक्यूमुलेशन कहते हैं और इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब आप पूछोगे मतलब, ठीक है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही को, जी हां, इसी को एक्यूमुलेशन और इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर ये पैटर्न मार्केट के नीचे दिख जाए, मतलब मार्केट के नीचे दिख जाए, मतलब मान लो आप, ठीक है, मान लो आप कि यहां पर मार्केट साइडवेज हो रही है, ठीक है, और ये एकदम पूरा नीचे है, पूरा नीचे है मार्केट के, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती है। ओके, ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है,
फिर मार्केट साइडवेज होती है और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आने लगती है, ठीक है। तो ये साइडवेज जब नीचे बनेगा, ठीक है, मार्केट के नीचे बनेगा, ठीक है, नीचे बनेगा, तो इसे एक्यूमुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इसे एक्यूमुलेशन कहेंगे। और जब यही साइडवेज, ठीक है, यही साइडवेज जब ऊपर बनेगा, ठीक है, तब इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब इसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, मैं बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। और एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट करना, मतलब कोई चीज को जमा करना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? जमा करना। गाइस, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांट। यहां पर नीचे को एक्यूमुलेशन क्यों बोलते हैं आप समझो। जब मार्केट नीचे में होती है तब क्या होता है? मार्केट एक्यूमुलेट करती है, मतलब मार्केट जितने भी इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है, मतलब शेयर्स को जमा करते हैं, ठीक है, सारा खरीदारी होता है, जमा करना होता है। यहां पर क्या होता है? शेयर्स को जमा किया जाता है, फिर ऊपर जाया जाता है, ठीक है, खरीद ले। और फिर इसे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलता है? ऊपर में जाके ऊपर में मार्केट बेचती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है शेयर को, मतलब शेयर्स को बेचती है। गाइस, मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए, ठीक है, और एक ही बार में अगर बेच देगा तो मार्केट डायरेक्ट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, धड़ाम से यहां पर वापस आ जाएगा, ठीक है। पर मार्केट का तो एक स्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए मार्केट धीरे धीरे बेचती है, धीरे धीरे बेचती है, धीरे धीरे बेचती है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे बेचती है तो यहां पर साइडवेज बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है। जब मार्केट ऊपर में रहती है तब मार्केट बेचती है, और जब मार्केट नीचे में रहती है तब मार्केट जमा करती है। तो गाइस, यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की जो सबसे बेसिक चीजें, ठीक है, कितने लोग तो यही चीज बता करके मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं, पर ये उसका 5% है। कितना? 5%, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। बेसिक चीजें पता चल गया, मार्केट में एक मोटा मोटी एक एक्यूमुलेशन होता है, अप ट्रेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाउन ट्रेंड होता है, जिसे आप डाउन ट्रेंड को मार्क डाउन भी बोल सकते हो या अप ट्रेंड को मार्कअप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर यहां बोलने का मतलब है कि यार, मैंने बता दिया मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, कि मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन से टाइम फ्रेम में? वीकली में कि डेली में? ठीक है कि यार, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, कौन से टाइम फ्रेम में? एक सही सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, कि बहुत बहुत आप लोगों को डाउट होता है कि यार, सारे लोग ये तो बता देते हैं आपको कि हाँ, मार्केट में एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कौन से टाइम फ्रेम में देखे तब हमें ये चीज दिखेगा? क्योंकि यार, इतना तो पता है मुझे, मार्केट में आपको दिखता नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में यार इस तरह से नहीं बनती चीजें, ठीक है। मैंने बताया ना कि इसमें छुपा हुआ है, ये जो पैटर्न है ना, इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। मार्केट में ये पैटर्न बनता है, ठीक है, और ये पैटर्न सही पैटर्न है, ठीक है, पर इसमें छुपा हुआ बहुत एडवांस पैटर्न है, ठीक है। और यार, ये एक मोटा मोटी पैटर्न है, पर बारीकी पैटर्न ये है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम फ्रेम का बात करूं कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको देखना है, तो वो आपको सारे टाइम फ्रेम में मिलेगा। क्या? जी हाँ, चिंता मत करो, दिखाने का काम मेरा है। क्या? दिखाने का काम मेरा है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो, अब डिफरेंस क्या है, सारे टाइम फ्रेम में दिख जाएगा, मतलब अभी आपको तो बहुत ही मतलब अचंभा लगता होगा, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी, बस 10 मिनट रुको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। गाइस, क्या होता है, जब आप चार्ट को वीकली में देखोगे, क्या वीकली में देखोगे, तब आपको बड़ा पिक्चर इस तरह का दिखेगा, ठीक है, बड़ा पिक्चर दिखेगा। पर ये बड़े पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा पिक्चर आपको इस तरह का दिख गया, ठीक है, ये मैं इसको साइड कर देता हूं, ठीक है, बड़ा पिक्चर आपको इस तरह दिख गया। पर आपको पता है, ये जो वीकली का, मान लो ये क्या, ये वीकली का है, ठीक है, ये वीकली का है, ठीक है, ये वीकली का है, ठीक है। अगर आप इसे डेली में देखोगे ना, ठीक है, तो डेली में क्या आपको दिखेगा, कि इसी के अंदर,
इसी के अंदर आपको छोटा छोटा, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, ये जो सीधा जो लाइन आया हुआ है ना, इसके अंदर आपको नजर आएगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये वाला पैटर्न छोटा छोटा ये वीकली के अंदर दिखेगा अगर आप डेली में देखोगे तो। ये वीकली का मान लो स्ट्रेट मूव है, ठीक है, ये मूव के अंदर आपको पैटर्न कुछ अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब इस तरह का पैटर्न इसके अंदर मिलेगा, इस तरह का पैटर्न। देखो ये जो यहां से यहां है ना, ठीक है, ये मात्र बस का बस ये लाइन है, ये आपको वीकली में दिख गया, ये आपको डेली में दिखेगा इस तरह से, क्या ये डेली में, ये क्या ये आपको डेली में दिख गया, ठीक है, ये क्या ये आपको डेली में दिख गया, ठीक है। तो जब आपको ये डेली में दिखेगा ना, तो इसका एक्यूमुलेशन फेज कहां पर होगा, इसका एक्यूमुलेशन फेज यहां पर होगा नीचे में, यहां पर होगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहां पर होगा ऊपर में, ठीक है, कैसे दिखाता हूं मैं, देखो ये ठीक है, ऊपर में और दिखाता हूं मैं, ये ओके, तो गाइस कुछ इस तरह से आपको यहीं पे एक्यूमुलेशन फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक्यूमुलेशन फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज नजर आएगा। और ये है क्या, ये आपका है डेली, ठीक है, आपका क्या डेली का है, ये आपका वीकली का है। और ये मूव पता है क्या है सो, ये जो मूव आपके सामने ये जो तीन दिख रहा है ना, ये एक अप एक डाउन, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये हमारा ये है, एक बार अप और एक बार डाउन, मतलब आपका केवल एक ये सीधा सा लाइन आपका केवल ये है पूरा का पूरा, अप डाउन अप डाउन, छोटे टाइम फ्रेम में, क्या छोटे टाइम फ्रेम में। अब डेली मान लो डेली है हमारे पास में, ठीक है, डेली हमारे पास में, रुको एक मिनट, ठीक है, डेली हमारे पास में, पता है गाइस आपको डेली के डेली से अगर आप 1 आवर में जाओगे ना, ठीक है, 1 आवर में अगर आप जाओगे तो ये जो सीधा लाइन मिल रहा है ना, इसके अंदर भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, क्या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, मतलब यही पैटर्न आपको यहां पर मिलेगा, यही पैटर्न क्या आपको यहां पर मिलेगा, यही लोअर लो लोअर हाई, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ये डेली का है, ये 1 आवर का है, कौन सा, ये है हमारा 1 आवर का, 1 आवर का, ठीक है। अब आप क्या, अब आप एक काम करो, अब इसके अंदर अब ये 1 आवर वाले में जाओगे ना, जब 10 और 15 मिनट की चार्ट पे, तो सेम चीजें फिर से आपको मिलेगी, क्या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर, ठीक है, यही चीजें सेम। और जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ये ठीक है, ये डेली में ये है, ठीक है, तो जब आप 10 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो मतलब देखो मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको हमेशा आपको इस तरीके, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर हल्का ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब मार्केट आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मार्केट कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह बिखरा हुआ, न कि आपको कभी भी मार्केट इस तरह से मिलेगी, इस तरह से तो आपको दिखती ही नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज को मैं आज क्लियर करूंगा कि मार्केट को आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हम लोग को इस तरह के स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेड करने हैं, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर मार्केट का ये होता है, और इसे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, और इसे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल वीडियो है, और ये क्या है, ये पेड वीडियो है, ठीक है, कोई भी आपको ये फ्री में नहीं बताएगा, पर मैं आपके लिए फ्री में लाया हूं, ठीक है। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। गाइस
क्या होता है जनरली वो मैं बताता हूं। देखो मेजर स्ट्रक्चर, ये मेजर स्ट्रक्चर जो है ना वो माइनर स्ट्रक्चर के अंदर छुपा हुआ है। मतलब मैं भी क्लियर करता हूं, वेट अ मिनट। देखो क्या होता है, ठीक है, हमारे पास में क्या होता है कि मार्केट कुछ इस तरह का बनाती है, हायर हाई हायर लो, मतलब मार्केट इस तरह से ट्रेंड करते हुए चलती है। पर क्या होता है, ठीक है, ये तो मेजर हो गया, मुख्य मोटा मोटा बात जब आप चार्ट को जब आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, एकदम पर छोटा करके, ठीक है, या फिर डेली टाइम फ्रेम में छोटा करके, तो आपको कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। पर इसके अंदर क्या होता है, माइनर में, माइनर क्या होता है कि यहीं पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, नीचे, मतलब मार्केट कुछ इस तरह से अपना मर्जी से चलता है। इसी के अंदर माइनर स्ट्रक्चर होता है। किसके अंदर? मेजर के अंदर ही माइनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको अब दिखाता हूं, यहां पर क्लियर करता हूं मैं आपके सामने, रुको। देखो अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है, हमारा हायर लो, ठीक है, हायर लो, ओके, फिर हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब समझ में आया, मतलब कि अगर मैं ये सब कुछ को अगर मैं क्लीन कर दूं, मान लो कि ये सब को हटा दूं यहां से, ठीक है, एग्जांपल ले लो आप ना, कि ये सब को मैं पूरा समझो ये सब को हटा दूं, ठीक है, और क्या करो कि यहां से बस एक सीधा सा एक क्लियर लाइन बस आप ड्रॉ कर दो यहां तक का, ठीक है, फिर एक सीधा नीचे, ठीक है, फिर एक सीधा ऊपर और फिर एक सीधा नीचे, ठीक है, तो ये बन गया मेजर। और मेजर के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ, माइनर। अब समझे, तो आपको इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपको कुछ मेजर, कुछ आपको जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से नहीं मिलेगा आपको मेजर, ठीक है, मेजर भी आपको मार्केट में इस तरह से कभी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा इस तरह से, और इसी में आपको ढूंढना पड़ेगा मेजर, 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 ठीक है, और इसी के अंदर होता है माइनर, ठीक है। देखो जब हम लोग मोटा मोटी जब इस तरह से हम लोग देखेंगे ना, ठीक है, देखो इस तरह से जब हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम लोग डायरेक्ट यहां से अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें, ये 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 ये, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं साइड। देखो आपके सामने मैंने इसी स्ट्रक्चर से मैंने मेजर निकाल लिया। देखो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके ये मेजर निकाला है, ठीक है, ये जो मेजर है आपके सामने अभी मैंने इसे ड्रॉ करके निकाला है। बोलोगे तो मैं फिर से इसमें एडजस्ट कर दूंगा इसको मैं, देखो बस ये इसी को, इसी इसी के अंदर ये मेजर छुपा हुआ रहता है और माइनर ये सब होता है, ठीक है। तो गाइस ये सब का बात कोई भी नहीं करता है, ठीक है, मेन चीजें तो यही सब है ना, कि आपको पता नहीं चलता है कि यार हायर हाई कौन सा है, हायर लो कौन सा है, ठीक है। पर यहां पर एक छोटी सी चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। अभी बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है, डोंट वरी, थोड़ा सा आराम से पानी उनी पी करके आप लोग बैठ जाओ, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं गाइस कि आपकी ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि माइनर के अंदर, ये मेजर के अंदर ही माइनर छुपा हुआ रहता है और हमें किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। एक मोटा मोटा मैंने बात आपको बताया, क्या मोटा मोटा, अच्छे तरीके से मैं अभी आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो इसी के अंदर से मैंने ये निकाल दिया, तो ये क्या, जब भी कोई बोलेगा कि आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है, ठीक है, तो आपको इस तरह जैसे मैंने किया ना, ठीक है, ऊपर ऊपर वाला बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको ये क्या कहते हैं मार्क करना है, ना कि आपको छोटे छोटे। आप लोग ये मार्क कर दोगे, ये मार्क कर दोगे आप लोग, ठीक है, ये मार्क कर दोगे, फिर ये मार्क कर दोगे, नहीं ये सब नहीं करना आपको, ये छोटे छोटे वालों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ठीक है, छोटे वाले पे भी आएंगे। पर जब भी आपको बड़ा चार्ट देखना है, बड़ा एकदम पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, क्या मार्केट का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, तब आपको इस तरह से बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर आपको मार्क करना पड़ेगा, मतलब मेजर आपको स्ट्रक्चर पहले निकालना पड़ेगा, क्या पहले मेजर स्ट्रक्चर। अब मेजर स्ट्रक्चर का ये तो मैंने मोटा मोटा पॉइंट बता दिया, पर इसको पहचानेंगे कैसे कि ये वाला जो एरिया है ये जो है यही हायर हाई है मेजर का, और यही हायर लो है, या फिर ये हायर लो है,
या ये हायर हाई है, इसे कैसे पहचानेंगे? अब मैं वो बताता हूं क्या इसे कैसे पहचानेंगे। गाइस ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है मैं मानता हूं, ठीक है, ट्राई करो थोड़ा सा समझने का, क्योंकि यार अब हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं देख रहे हैं, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, पर आप वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, और जो लोग को एक बार में समझ में आ रहा है यार वो कमेंट करो, ठीक है, प्यारा सा एक कमेंट करो। ओके गाइस देखो, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हायर हाई और हायर लो किसको बोलेंगे। जिस तरह मान लो हमारे सामने एक चार्ट है, ठीक है, यहीं पे निफ्टी का हमारे सामने देखो चार्ट है, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे यार कि मेजर कौन सा है, क्या ये मेजर है, क्या ये पॉइंट मेजर है, कि क्या ये पॉइंट मेजर है, ठीक है, कि क्या ये पॉइंट मेजर, हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये मैं आपको अभी मैं बता रहा हूं। देखो गाइस, इसका पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है गाइस, ये सारा कॉन्सेप्ट आता है SMC के अंदर, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी मैं आपको मोटा मोटा आपको बस पहचानने के लिए आपको मैं सिखा देता हूं आपको पहचानना कैसे। गाइस देखो, मार्केट क्या करेगी, ठीक है, आपको हायर हाई और हायर लो कैसे पहचानना है। मान लो मार्केट यहां से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आती है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहां पर आ जाता है नीचे, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है और फिर मार्केट यहां पर आती है, ठीक है, और फिर मार्केट अपना रास्ता तय करती है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग में सोचो कि इसमें हायर हाई हायर लो कौन सा है, हायर हाई हायर लो कौन सा है, सोच लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसमें हायर लो हमारा और हायर हाई हमारा क्या ये है, हायर हाई हायर लो, फिर हमारा ये होगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो ये क्या हो गया, ये तो यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब मार्केट ने तो हायर लो को तोड़ दिया, पर ये गलत है, ये तरीका पूरा का पूरा गलत है, ये नहीं है, ये हमारा हायर हाई हायर लो है ही नहीं है, ये हमारा हायर हाई हायर लो नहीं है। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, अब थोड़ा सा एकदम पूरा सारा काम छोड़ करके फुल कंसंट्रेशन के साथ आप देखो, ठीक है गाइस, मार्केट क्या करेगी कि एक बार मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, एक बार मार्केट नीचे आएगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी और इसके हाई को तोड़ देगी, किसके, ये छोट, एक बार जो मार्केट नीचे आई थी इसके हाई को तोड़ देगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी और फिर मार्केट नीचे आएगी और इसके लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे हायर हाई, इसको अब हम लोग बोलेंगे हायर हाई और इसको बोलेंगे हम लोग हायर लो। क्या, फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसमें देखो हायर हाई और हायर लो पहचानने आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ठीक है, जो बहुत काम आता है। मार्केट एक बार मार्केट मान लो यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, फिर एक बार नीचे आती है, तो हम लोग इसको हायर लो नहीं बोलेंगे। फिर एक बार मार्केट ऊपर जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, इसके हाई को ब्रेक कर देती है, ये जो यहां वाला हाई है ना, इसका चोटी जो है स्विंग हाई, इसको ब्रेक कर देती है, और फिर मार्केट नीचे आती है और ये जो नीचे वाला जो चोटी बना था ना, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है, तब हम लोग क्या, इसको हायर हाई बोलेंगे और इसको हायर लो बोलेंगे। मतलब एक बार ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ठीक है, और इसका रूल सिंपल सा बात है कि मार्केट एक बार इसके लो को ब्रेक करके, ठीक है, और एक बार नीचे आएगी और इसके लो को ब्रेक करेगी, इसके हाई को ब्रेक करेगी और इसके लो को ब्रेक करेगी। क्या, देखो ये छोटा वाला को, इसके हाई को देखो ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई और इसके लो को ब्रेक कर दी, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको हायर हाई बोलेंगे और इसको हायर लो बोलेंगे। बस ये चीज दिमाग में रख लो, ठीक है, एक बार ये छोटा सा गेम होने दो, ठीक है, ये होता है ट्रैप होता है एक्चुअल में, ये SMC के अंदर आता है, ठीक है, क्या SMC के अंदर आता है, और एक्चुअली में इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इंड्यूसमेंट कहते हैं इसको, हम लोग डिटेल में जानेंगे बाद में, ठीक है, SMC के अंदर मैं इंड्यूसमेंट का और लिक्विडिटी ये सब का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ठीक है,
तब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। पर आपको स्ट्रक्चर जानने के लिए बस इतना दिमाग में रख लो कि एक बार मार्केट जब तक कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर न बना दे तब तक, और इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ना चला जाए और इसके लो को ब्रेक करके मार्केट जब तक नीचे ना आ जाए तब तक हायर हाई हायर लो नहीं बनेगा। इसमें देखो हायर हाई ये है, हायर लो ये है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब माइनर स्ट्रक्चर है। क्या? माइनर स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर मार्क करने का ये एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये क्या? एक सिंपल सा तरीका है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें हायर हाई और हायर लो कौन सा हुआ, ठीक है। हायर लो यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, हायर हाई कौन सा? ये, ओके, हायर लो ये, ठीक है। अब हायर हाई, अब फिर से मैं आपको पूछता हूं अबर में हायर हाई कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे? क्या ये बोलोगे? नहीं, इससे पहले क्या मार्केट कभी ऐसे जाकर के ऐसे आकर के फिर गई है ऊपर? नहीं गई है, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। तब क्या, अब यहां पर देखो मार्केट तो इसको तोड़ी नहीं। देखो अभी क्या होता ना, ये यहां से जब मार्केट यहां तोड़ देती ना इसके हाई को ना, ठीक है, और फिर आ करके और ये पॉइंट बनाती, तब हम लोग इसको हायर हाई बोलते, ठीक है। पर यहां पर मार्केट ने क्या किया है, यहां पर मार्केट ने तो इसके हाई को, ये चोटी जो है, सो ये जो हमारा चोटी है, इसने तो इसके हाई को तोड़ा ही नहीं बट नीचे के हाई को दिया तोड़, नीचे के लो को दिया तोड़। तो पर भी हम लोग इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जब तक कि मार्केट इसके हाई को न ब्रेक करे, ठीक है, इसके हाई को देखो यहां पर ब्रेक हुआ, और जब तक कि इसके पूरे लो को, अब ये लो मैटर नहीं करता है, अब ये बीच का जो ये जो है ना, ये काम ये छोड़ दो, अब समझ लो बस सीधा सा एक लाइन है, ठीक है, बीच का। अब आपको भूल जाना, अब आपके लिए ये लो मैटर नहीं करता है, ये लो और हाई, ठीक है, ये लो और ये हाई दोनों में कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करता, ये दोनों को भूल जाओ, मिटा दो इसको, समझो तो, ठीक है। आपके लिए मैटर करता है ये और ये, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हाँ ये ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया, हाँ ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट हायर हाई ये होगा और नेक्स्ट हायर लो ये होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं यहां पर चीजें आपकी क्लियर हो रही है, क्या चीजें आपकी क्लियर हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट मार्केट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। फिर आप पता कर पाओगे कि हाँ जब मार्केट ने हायर हाई लगा दिया है, हायर लो लगा दिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट का डायरेक्शन इस तरह से आप पता कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप बहुत, जब भी आपको इस तरह का कुछ अगर मिल जाता है ना, तो आप कंफ्यूज होते हो, मार्केट क्या अभी हायर हाई मतलब कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बहुत कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करते हैं ये तो पता चल गया होगा। तो गाइस जैसे कि मैंने इसको फाइंड किया ना, पर ये ऐसा बात नहीं कि ये मेजर स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका था, ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये मेजर स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका नहीं था, ये मेजर माइनर दोनों फाइंड करने का तरीका था, ये स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका। क्या? स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका था ये। आप 5 मिनट में भी आपको इसी तरीके से फाइंड करना है, जहां पर आपको देखना है कि एक बार मार्केट इस तरह का कुछ लगा दे, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आएगी, तब 5 मिनट में हम उसे बोलेंगे हायर हाई और उसे बोलेंगे हायर लो। और इसी को उल्टा कर दो तो लोअर लो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो इसी तरीके का सेम चीज होना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, इसको बस अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये 5 मिनट मतलब कि ये मैं जो यहां पर जो मैंने अभी सिखाया क्या है बता देता हूं मैं, यहां पर मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रक्चर को मार्क कैसे करते हैं, कैसे हम लोग हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बात नहीं कि ये मेजर स्ट्रक्चर पे काम करेगा, माइनर पे काम नहीं करेगा, सब पे काम करेगा ये मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्क करना सिखाया है, हायर हाई और हायर लो सिखाया है, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कैसे मार्क करते हैं ये दिखा दिया, अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूं, तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि हाँ अब मैं स्ट्रक्चर जानता हूं, ठीक है। मेन देखो सबसे बड़ी चीज है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, जितना आप कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जब तक कि एग्जाम्पल में आप नहीं देखोगे कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। गाइस हमारे पास में क्या है, हमारे पास में निफ्टी का चार्ट है जो कि हम वीकली में लेंगे, ठीक है, वीकली का हम लोग निफ्टी का चार्ट लेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा
सब कुछ हम लोग ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, सब कुछ नहीं डिलीट करेंगे, ठीक है, हम लोग बस ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मैं हाइड कर देता हूँ, वेट अ मिनट, ओके देखो, देखो गाइज ये हमारे पास में है वीकली का चार्ट, ठीक है। दिखने में तो लग रहा है अप ट्रेंड है, पर इसका हायर हाई और हायर लो हम लोग कैसे मार्क करेंगे वो मैं सिखाता हूं, ठीक है। वीकली का सबसे पहले मार्केट को कोई भी क्वाइन क्यों ना हो, कोई भी शेयर क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी करेंसी क्यों ना हो, ठीक है, कमोडिटी क्यों ना हो, बस आपको मार्क स्टार्टिंग कैसे करना है, एनालाइज करना मार्केट को, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर हम लोग कैसे मार्क करेंगे, ओके हम लोग डीपली में आएंगे, पहले थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, तब ये चीजें समझ में आएंगी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया हायर लो, ओके हायर लो, ठीक है, हायर लो हो गया, हायर लो हो गया, थोड़ा सा और बारीकी से देखोगे, ठीक है। तो गाइस देखो यहां पर एक हमारा छोटा सा है इंड्यूसमेंट, कहां पर देखो, ये जो छोटा सा मैं बात कर रहा था ना कि मार्केट एक बार मार्केट ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगी, फिर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, इसके लो को ब्रेक करना चाहिए, तब हम लोग का ये होगा हायर हाई हायर लो। यहां पर देखो क्या हुआ, सेम चीज यहां पर हो रहा है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो ये छोटा सा भी चलेगा, क्या ये छोटा भी चलेगा, क्योंकि ये वीकली में है, समझे बात को, ठीक है। इसको अगर मैं डेली में कर दूंगा ना 1 आवर में बहुत बड़ा दिखेगा, यहां पर आया फिर छोटा सा नीचे बनाया, फिर एक हाई बनाया है, फिर एक लो बनाया, ठीक है, और फिर मार्केट यहां से फिर ऊपर की तरफ निकली है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा होगा ये हायर हाई, क्या ये हमारा क्या होगा हायर हाई। देखो यहां पर चीजें एकदम पूरा मैच कर रही है, ठीक है, ये हो रहा है, देखो ये जो इंड्यूसमेंट होता है ये हुआ, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया है, आया है नीचे, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक किया है मार्केट ने, ऊपर गया है, ठीक है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर होगा कि हमारा सबसे पहला, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके हाँ देखो हमारा सबसे पहला, देखो हमारा सबसे पहला लो कौन सा होगा, वो होगा ये होगा लो, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हायर हाई, ठीक है। फिर हमारा सबसे नीचे कहां लगाई मार्केट, यहां पे लगाइए, ये क्या होगा हमारा हायर लो होगा। और आप लोग क्या गलती करते थे, पहले आप लोग क्या करते थे कि यार ये हो गया हमारा हायर लो, ये हो गया हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती, हायर लो हायर हाई, फिर हायर लो हायर हाई, जब इस तरह से ड्रॉ कर दोगे तो यार क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को तो यार समझ में नहीं है, यहां पर डाउन ट्रेंड, यहां पर अप ट्रेंड, देखो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे डाउन ट्रेंड, यहां पे अप ट्रेंड, अरे यार ट्रेड कैसे करें, तुरंत तुरंत तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे रही है ऐसा आप लोग को लगेगा, पर ये मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं कर रही, आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने नहीं आता है इसीलिए, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या हो गया हमारा, क्या ये हो गया हायर हाई हायर लो। अब हमारे पास में क्या ये लाइन है, जब तक इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरा मार्क नहीं, देखो यहां पर मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाँ किया। और दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है ये मिल गया हमारे पास में, देखो हमारे पास में ये मिल गया, देखो मेन चीज, ठीक है, क्या मार्केट यहां से, देखो मार्केट ने क्या किया, सो यहां से मार्केट ऊपर आया, ओके नीचे आया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पर देखो मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने क्या ये हाई को हमारा ब्रेक किया, मार्केट ने देखो ये हाई को हमारा ब्रेक किया, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने लो को ब्रेक किया, ओके हाँ देखो लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने नीचे आया या को यहां पर लो बनाया था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, हाँ अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अब नीचे आ रही है, ठीक है। तब हमारा नेक्स्ट हायर हाई कौन सा होगा, नेक्स्ट हायर हाई हमारा होगा ये, नेक्स्ट हायर हाई, ओके। और नेक्स्ट हायर लो कौन सा होगा हमारा, हायर लो सबसे नीचे वाला आ जाओ, ठीक है, तो हायर लो ये होगा, सबसे नीचे ये है, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगी, जब तक कि ये हाई को ना ब्रेक कर दे,
क्योंकि ये है हमारा हायर लो है, ठीक है। मार्केट जब तक इसको ना ब्रेक कर दे तब तक मार्केट चेंज नहीं होगा, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। तो मार्केट ने सबसे हैवी लो कहां लगाया है, मार्केट ने ये लगाया, और मार्केट यहां पर देखो, मार्केट यहां बस कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है, मार्केट यहां साइडवेज चला है। तो हम लोग इसको माइनर मिलेंगे, क्या इसको हम लोग माइनर मिलेंगे, इससे हम लोग अभी मार्केट स्ट्रक्चर में, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मोटा मोटा मतलब मार्केट का हायर हाई कैसे पहचानते हैं और हायर लो कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। माइनर पे भी मैं बात करूंगा लेकिन वो बाद में बात करूंगा, अभी मैं आपको सिखा दूं कि हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं गाइस आज से पहले तो ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। देखो अब हमें फिर से यही चीज ढूंढना है, तो देखो फिर से हमें मिल गया, क्या मिला हमें, देखो मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। अब देखो अभी यहां पर आपके लिए कंफ्यूजन खड़ा होगा, क्या कंफ्यूजन खड़ा होगा, अभी हमारे पास में देखोगे ना छोटी छोटी बहुत सारा अप डाउन है, ठीक है, है छोटी छोटी बहुत सारी अप डाउन है, फिर मार्केट ऊपर गई। तो अब आप बोलोगे कि अब हमें इसमें से कौन सा लेना है, अब हम लोग इसको 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 देखेंगे कि मार्केट इसको हाई को ब्रेक करे और इसका लो को ब्रेक करेगा, तब हम लोग उसे हायर हाई और हायर लो बोलेंगे, कि मार्केट इसके इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक करेगा उसे हम लोग हायर हाई या हायर लो बोलेंगे। तो गाइस एक बात दिमाग में रख लो, ठीक है, वो अभी मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। मार्केट मान लो यहां से छोटा छोटा हायर लो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा बना रहा है, पर जब तक कि मार्केट इसके इसको न सबसे नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला जो इस तरह का बनेगा ना हायर हाई हायर लो छोटा सा इंड्यूसमेंट, सबसे नजदीक का जो सबसे ऊपर में होगा, क्या सबसे ऊपर में सबसे नजदीक में ये जो हायर हाई हायर लो ना, इसे हम लोग वैल्यू करेंगे। ये सब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसे काट दो, ये हमारे लिए काम का नहीं है। नीचे कुछ भी बने हमें मतलब नहीं, जो सबसे नजदीक में देखो, सबसे नजदीक में हमारे पास में ये है, ठीक है, ये हमारा नजदीक नहीं है, हमारा दूर है इसके मुताबिक। तो जो सबसे नजदीक में बनेगा ना उसका हायर हाई को हम लोग देखेंगे और उसका हायर लो को देखेंगे, ठीक है। जो सबसे नजदीक होगा जिसका लो ब्रेक होगा, देखो सिंपल सी बात है ना, फोकस आप यहां पर करो, आपके सामने दो तीन है ये, ठीक है, दो तीन, देखो आपके सामने क्या दो है, यहां पर दो है, आपको नजर कहां पर रखना है, आपको सबसे नजदीक वाला, सबसे ऊपर में नजदीक वाले पे नजर रखो, नीचे वाला के बाद में फिर से मार्केट अगर यहां नहीं आती है, ठीक है, यहां पर नहीं आई मार्केट, ऊपर जा रही है, तो आपको बस नजर रखना है जो कौन सा सबसे नजदीक में बनेगा जिसका लो ब्रेक होगा, बस सिंपल सा एक ही चीज आपके लिए मैटर करेगा, किसका लो ब्रेक होता है जो सबसे नजदीक में है उसको हम लोग हायर हाई बोल देंगे। तो अब हमारा हायर हाई नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास में हायर हाई ये है। उम्मीद करता हूं गाइज चीजें आपको समझ में आ रही है कि हम लोग इसको क्यों नहीं मार्क किए, इसको क्यों मार्क किए, क्योंकि ये सबसे नजदीक में है और हमें नजदीक वाले पे फोकस करना है न कि लास्ट वाले पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, अब हमारा हायर लो कौन सा होगा, जो सबसे नजदीक होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, ओके। ये देखो अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है या मार्केट का डायरेक्शन चेंज कब होता, जब मार्केट इसको तोड़ता, तो मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा है, एकदम पर लास्ट में आकर के मार्केट यहां से रिवर्स हुआ है, सबसे नीचे ये है, अब हमारा हायर लो ये बन गया। अब फिर से हमारा हायर हाई कौन सा बनेगा, हायर हाई हमारा ये बनेगा, क्यों बनेगा, देखो ये रहा हमारे पास में, देखो ये रहा, ये रहा, क्या है ये देखो मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, तो हमारा ये सबसे नजदीक वाला, फिर मार्केट यहां तक आई है और फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या देखेंगे, इसके हाई को देखेंगे और इसके लो को देखेंगे यहां पर। तो हाँ, इसका लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हाँ वीक भी क्यों ना ब्रेक करे चलेगा, ठीक है, वीक भी क्यों ना ब्रेक करे मार्केट चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको हायर हाई और इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं यार कि देखो अब, देखो अब आपका यहीं पर नजरिया देखने का मैं आपको चेंज कर देता हूं कि देखो अब हमारे लिए कितना सिंपल हो गया है ड्रॉ करना। देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। देखो यहां पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सब कुछ, ठीक है, फिर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। देखो अब हम लोगों ने कैसा देखा, देखो अब सिंपल सा बन गया हमारे पास में स्ट्रक्चर, क्या हायर हाई हायर
हायर हाय हायर लो, हायर हाय हायर लो, हायर हाय हायर लो। देखो, देख रहे हो ना, वही चीजें निकली जो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको 5 मिनट में भी इसी तरीके से आप मार्क करते हुए पूरा ऊपर तक आओगे। किस तरह से? इसी तरीके से, ठीक है गाइस। अब आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो, मैंने जितना डीपली में आपको बताया, ठीक है, इधर आप बहुत फंसते, आपको समझ में नहीं आता हायर हाई हायर लो कौन सा है। तो मैंने सिखा दिया आपको हायर हाई और हायर लो कैसे पहचानते। इसी तरीके से गाइस, मैं यहां पर आकर के और मैं 5 मिनट के चार्ट पे आता हूं, ठीक है। मैं आपके पास में 5 मिनट के चार्ट पे आता हूं और उसमें मैं आपको हायर हाई और हायर लो मैं आपको ड्रॉ करके को दिखाता हूं, ठीक है। देखो, हाँ देखो, यहां से हम लोग देखते हैं, मान लो हम लोग यहां से देख रहे हैं, मान लो ये हमारा हो गया ऊपर का, सबसे ऊपर का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमारा हायर लो कौन सा होगा, ये सॉरी हायर हाई लोअर लो कौन सा होगा, क्या हमारा ये होगा? इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा, क्या हम लोग बोल सकते हैं गाइस कि हायर हाई हायर लो, सॉरी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। गलत। अब आप भी बोलोगे कि हाँ गलत है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट ने इससे सबसे पहला देखो हमारे पास में इंड्यूसमेंट कहा है, मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ है, तो हमारे पास में दो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं। कौन कौन सा? एक वो है, एक छोटा सा यहां पर है, यहां पे, हाँ है यहां पे, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि हाँ हमारे पास में ये एक स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है। तो इसके लो को मार्केट और इसके हाई को मार्केट एक बार कवर करते। देखो, मार्केट इसके ऊपर तोड़ा और फिर इसके लो को भी तोड़ा मार्केट ने। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग सिंपल सा बोलेंगे हायर, ये हायर हाई लोअर हाई लोअर लो, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। और अबर में हम लोग फिर कौन सा बोलेंगे? देखो, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब मार्केट इसको तोड़ेगा तब हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। क्या हमारा ये है? क्या हमारा ये है? अब आप बोलोगे क्या ये है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो गाइस, मार्केट, देखो आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ मार्केट ने तो ये दिया है ना, मार्केट ने देखो एक बार ये बनाया है, ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, तो हम लोग तो इसको बोल देंगे। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो गाइस, आप गौर से देखो तो यहां पर मार्केट का लो ये था, मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ने लो ब्रेक यहां पर किया है और मार्केट यहीं से बिना लो ब्रेक किए हुए ऊपर गया है, तो हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे। तो अब आप गौर करोगे, मार्केट का जो रिसेंट जो कहते हैं ना ये है, अगर इसको मार्केट तोड़ती, देखो मार्केट ने यहां तोड़ दिया था इसको, ठीक है, और मार्केट यहां जाता ना और फिर मार्केट नीचे आता, तो इसको हम लोग लोअर 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 हाई बोलते, पर इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग और डीपली में जाते हैं। अब हमारा लोअर 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 हाई कौन सा? देखो हमारा ये है लोअर लो लोअर हाई। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर सबसे नजदीक में यहां पर है, ठीक है, जिसमें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहां से समझो आया, यहां पे आया, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो गाइज, अब आप यहां पर आप नोटिस करो, हमारे पास में हायर हाई हायर लो 5 मिनट में कैसे फाइंड कर रहा हूं मैं, सो ठीक है, हायर लो हायर लो लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब क्या, अब मार्केट ने यहां पर बना दिया है लोअर लो, अभी ये निफ्टी का है, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अभी क्या, अभी हम लोग जब तक की मार्केट, देखो अभी रिसेंट में हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा, वो है हमारा ये है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है, इसके ऊपर अगर चली जाती है ये मार्केट, तब आप शॉर्ट करो, तब हमारा ये हो जाएगा लोअर हाई, तब आप शॉर्ट करो, ठीक है। नहीं तो मार्केट ऐसा भी कर सकती, कुछ मान लो यहां पर नीचे आ जाए, इसके लो को तोड़ दे, ठीक है, और फिर ऊपर जाएगी। तो जब भी मार्केट कुछ इसके या फिर कुछ इसके ऊपर जब तक कि क्लोज नीचे तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगी, तब तक हम लोग उसको हायर हाई और हायर लो नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अब देखो, अब आपके लिए हायर हाई और हायर लो देखना कितना आसान हो गया है। मैं सब कुछ क्लीन करता हूं, ठीक है। गाइज, अब आपके लिए यहीं पे मैं 5 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है, इस पे मैं आपके लिए मार्क, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब देखो, अगर लोअर हाई बनाना होगा तो यहां पर बना सकता है, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। हम देखो, मैं आपके लिए प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं, एक हमारा ये स्ट्रक्चर हो सकता है,
छोटे टाइम फ्रेम का, क्या मैं बात कर रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर में भी ऐसा हो सकता है, नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो कुछ ये दोनों में से अब मार्केट नेक्स्ट अपना परफॉर्म करेगी, कुछ ये दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। तो आप नजर रख लेना। तो गाइस यहां से यार मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्क कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। हेलो गाइस, गाइस आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और इसके साथ में ही मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो किसी ने अपने पेड वीडियो में भी नहीं शेयर किया होगा। और ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में होता क्या है, ऑर्डर फ्लो जो है सो आपको निकाल करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया देगा, ठीक है, जहां पर वेल्स एंट्री करते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री करते हैं, ठीक है, कहां पे इंस्टीट्यूशनल जहां पे एंट्री करते हैं उसे कहते हैं ऑर्डर फ्लो। इसीलिए अभी तक ये ज्यादा चर्चित में नहीं रहा है क्योंकि कोई भी लोग इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, सब कोई चुपचाप से पैसे कमाना चाहता है। तो गाइस बस वीडियो को पूरा देखो। तो गाइस अब हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हैं और डायरेक्ट हम लोग वीडियो पे आते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग को समझते हैं, ठीक है गाइस। ऑर्डर फ्लो दो वर्ड से मिल करके बना है, पहला है ऑर्डर और दूसरा है फ्लो, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब मैं पूछूं अगर आपसे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? ऑर्डर जैसे होता है ना, हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं कि $500 पे अगर बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, ठीक है, तो मेरा जो है सो ट्रेड जो है सो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, मेरा ट्रेड लग जाए, ठीक है, हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगाते हैं, सब क्या होता है, सब ऑर्डर होता है, ठीक है, सब क्या होता है ऑर्डर, मतलब जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, ट्रेड के लिए हम लोग डायरेक्ट चुन लेते हैं ना कि हाँ अगर निफ्टी अगर 18,000 पे अगर आती है तो मेरा ट्रेड लग जाए, ऐसा हम लोग ऑर्डर लगाते हैं ऑर्डर, उसे ही ऑर्डर कहते हैं। हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर 18,500 पे अगर निफ्टी जाती है, ठीक है, तो मेरा ट्रेड कट हो जाए, ये क्या, ये भी एक ऑर्डर है। मतलब सेल और बाय करने के लिए जो हम लोग ऐप पर ऑर्डर लगाते हैं उसे ही कहते हैं ऑर्डर। और साथ में क्या है, फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव। फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव, मतलब ऑर्डर का बहाव कहां पर है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब ऑर्डर का बहाव का यहां मतलब है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर कहां पे लगा हुआ है, समझे बात को, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर कहां पे लगा हुआ है। देखो हमारा जानने का मतलब क्या, हमारा मोटिव क्या होता है जानने का कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूशनल कहां पे एंट्री कर रहे हैं, तो वो हमें कौन बताएगा, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है, सबसे बड़ा मोटा रकम कहां पे लगा हुआ है या कहां पर लगेगा, ठीक है, वो बता देगा आपको, ठीक है, कौन, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब देखो गाइस, मीनिंग से ही सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, बड़ा पैसा मार्केट में कहां पर लगेगा या कहां पर लगा हुआ है ये आपको पहले पता चल जाएगा, क्या, पहले पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है, मीनिंग से क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा अब मार्केट में समझते हैं कि मार्केट में इसे कैसे पहचानेंगे, कहां पर बनेगा ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो होता क्या है मार्केट में, हम लोग कैसे जानेंगे कहां पर वेल्स एंट्री करने जा रहे हैं, कहां पर इंस्टीट्यूशनल एंट्री करने जा रहे हैं या मोस्ट ऑफ द रिटेलर एंट्री कर रहे हैं। गाइस देखो मार्केट में ये हमारा अपट्रेंड है, अपट्रेंड कुछ ऐसा ही होता है मार्केट में, ओके। अब ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्केट में कैसे पहचानेंगे, लास्ट सेलिंग एरिया बिफोर बाय, मतलब लास्ट, सबसे लास्ट का बेचा गया एरिया, ठीक है। मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे लास्ट में कब बेचा गया तो आप बोलोगे इस पे, ये है सबसे लास्ट का बिका हुआ एरिया, बोलोगे, है ना, ये जो मार्केट यहां से नीचे, ये सबसे लास्ट बेचा गया एरिया है, ठीक है, इतना में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो मार्केट जो नीचे आई है ना, ठीक है, इसमें मैं बात कर रहा हूं कि सबसे लास्ट का बेचा गया एरिया कौन सा है, वो है ये वाला मूव, ठीक है, बिफोर क्या,
बिफोर मार्केट गोइंग अप, मतलब मार्केट के ऊपर जाने से पहले, देखो उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहां से क्या हुआ मार्केट फिर ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाने से पहले जो सबसे लास्ट का सेलिंग एरिया होता है उसे हम लोग ऑर्डर फ्लो कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं गाइस समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर से मैं बताता हूं ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं। मार्केट जब वो जो लास्ट सेलिंग एरिया बिफोर बाइंग, मतलब मार्केट के ऊपर, मार्केट जब ऊपर जब अपना हायर हाई लगाने के लिए जाती है, ठीक है, मार्केट के ऊपर जाने से पहले ही वो जो नीचे में लास्ट बार में जब सेलिंग किया गया था ना, लास्ट बार में सेलिंग किया गया था उसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहां पर कौन सा है, ये है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपको, मैं यहां पर ये मान लो कि ये एरिया में अगर पूछूं लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये है? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप पूरा गलत सोच रहे हो, ठीक है, ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, लास्ट सेलिंग एरिया ये है। लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, ये सबसे लास्ट बार यही बेचा गया ना, ठीक है, ये तो पहले बेचा गया, देखो मार्केट पहले यहां आई, फिर यहां आई, फिर सबसे लास्ट में यहां पर नीचे आई है, सेल की है, फिर मार्केट तो ऊपर चली गई, ठीक है। तो ऊपर जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले लास्ट सेलिंग एरिया, ठीक है, उसे ही कहते हैं, ऊपर जाने से पहले लास्ट बार जो बेचा गया एरिया है उसे ही कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या दो ऑर्डर फ्लो है, कौन कौन सा, देखो पहला ये है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं कुछ कलर दे देता हूं, इसको मैं व्हाइट कलर ही देता हूं, थोड़ा देता हूं, ओके, देखो हाँ, ये एरिया कब कहां से कहां लेना है आपको, देखो गाइस ये ऊपर से ले करके, ठीक है, और पूरा नीचे तक लेना है, ओके, लास्ट एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ओके, ये हो गया, ओके, फिर ये यहां पर कहां, यहां से, ठीक है, लास्ट सेलिंग का एरिया कौन सा है, कैंडल नहीं लेना है, एरिया का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरा मूव का बात कर रहा हूं मैं, पूरा मूव का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये क्या है, ये है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर फ्लो आपको दिखेगा, बस आपको इस तरह लगा देना है। अब मैं बताता हूं कि आखिर ये ऑर्डर फ्लो काम क्या करेगा। मान लो कि मार्केट, देखो अब आप बोलोगे कि सर मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि लास्ट बार सेलिंग कितना हुआ, तो मेरा काम का क्या है, आप बोलोगे ना, देखो मार्केट जब, देखो अभी मार्केट क्या, अभी मार्केट अगर यहीं पर रहती तो कोई बता पाता कि ऑर्डर फ्लो कौन सा है, नहीं बता पाएगा, जब तक कि हमें पता ना चल जाए कि मार्केट ये हाई को ब्रेक करके ऊपर ना चला गया, ठीक है। ये काम का क्या है आपका क्वेश्चन होगा, बताता हूं अभी बताता हूं, एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा। गाइस हम लोग लेते हैं एग्जांपल पेट्रोल का, ठीक है, पेट्रोल अभी लगभग 100 रुपए लीटर चल रहा है, ठीक है, मान लो 100 रुपए लीटर चल रहा है, अभी क्या हो जाए कि कल जो है सो एकदम पेट्रोल जो है सो 140-150 रुपए लीटर हो जाएगा, हो जाए, मैं बोल रहा हूं हो गया 140-150 रुपए लीटर, ठीक है, 140-150 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, ठीक है, मान लो 150 रुपए लीटर हो गया। अब क्या होता है कि सारे लोग तो यार सोचेंगे कि 100 रुपए पे मैंने क्यों नहीं खरीदा, थोड़ा खरीद करके फुल टंकी करवा लेता या फिर घर में एक आधो ड्राम खरीद कर रख लेता, ठीक है, लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है। जो पेट्रोल पंप का मालिक होगा वो यही सोचेगा कि अरे यार मैंने वैसे ये तो उसके पास में स्टॉक होगा ही होगा, ठीक है, तो वो बहुत खुश होगा, क्यों, क्योंकि उसने 100 रुपए पे खरीदा था और अब बेचेगा कितने पे, 150 पे बेचेगा, ठीक है, तो वो क्या खुश होगा, तो सारी चीजें सही चलेंगी, वो 150 पे बेचेगा। और फिर 15 दिन के बाद में, ठीक है, 15 दिन के बाद में फिर से जो है सो वो एक बार जो है सो मार्केट 100 रुपए पे आ जाए, कितना, 100 रुपए पे मार्केट फिर से आ जाए, ठीक है, या 105 या 110 पे आ जाए। तो एक बात मुझे बताओ कि यहां पर पेट्रोल पंप का मालिक जो है सो फिर से जो है सो अपना स्टॉक भर लेगा कि नहीं भर लेगा, फिर से वो खरीदारी करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे बताओ। वैसे तो लोग भी करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है सो अपना टंकी फुल करवा लेंगे या फिर बहुत सारी चीजें करेंगे, पर पेट्रोल पंप का मालिक तो कंफर्म मतलब अपना जो भी स्टॉक है उसका गोदाम है वो अपना भर लेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा आप मुझे बताओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि पिछला बार उसने 100 रुपए पे ही लिया था और लगभग 100 रुपए पे अगर फिर से मिलेगा तो वो जरूर लेगा, क्योंकि उसने एक बार प्रॉफिट कमा चुका है वो,
उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि मान लो वेल्स जो है सो 100 रुपए पे एंट्री करता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है 100 रुपए पे कोई शेयर को खरीदता है और फिर उसको जो है सो 120 रुपए शेयर जब जाता है तब उसे बेच देता है, तब क्या करता है उसे बेच देता है, ठीक है, और मार्केट अगर फिर से 100 रुपए पे आती है तो क्या वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? उसे तो देखो 100 रुपए उसे क्या लग रहा है, देखो अगर पहला बार में कोई आदमी अगर 100 रुपए पे पेट्रोल या फिर कोई अगर इंस्टीट्यूशनल है वो अगर शेयर को खरीदता है तो इसका मतलब 100 रुपए उसे ठीक रेट लग रहा है, बात को समझो, 100 रुपए उसे ठीक रेट लग रहा है, और फिर अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब वो कंफर्म हो जाएगा कि अरे यार मैंने 100 रुपए पे खरीदा था ना, बहुत सही काम किया था, वो श्योर हो जाएगा कि मैं सही हूं, 100 रुपए पेट्रोल के लिए सही रेट है या फिर 100 रुपए कोई शेयर के लिए सही रेट है, उसे ये चीज बिलीव हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से 100 रुपए पे आएगा तो उसे क्या लगेगा, अरे भाई आ गया अबर में तो और खरीदो, क्या और खरीदो। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, ठीक है, उसी तरीके से अब यहां पे समझो बात को, ठीक है, यहां पे समझो बात को। मान लो कि देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां एंट्री करेगा, वो तो एंट्री यहीं पे करेगा, वो सारा एंट्री करेगा कहां पे, वो सारा एंट्री यहीं पे करेगा, ठीक है, लास्ट में देखो यहां पर जो लास्ट जो सेलिंग होगा ना उसमें लोगों को फंसाएगा, ठीक है, ट्रैप करेगा और फिर जो है सो मार्केट को धीरे कुछ बाय यहां पर करेगा, कुछ बाय यहां पे करेगा, कुछ बाय यहां पे करेगा, कुछ बाय यहां करके मार्केट को यहां तक ले करके जाएगा, ठीक है, और फिर जब मार्केट यहां पर चली जाएगी तो वो बेच देगा, ठीक है, बेच देगा और फिर वो वेट करेगा कि कुछ लोग, कुछ रिटेलर्स जो यहां पर खरीदे थे, ठीक है, वो भी क्या, वो भी जो है सो मार्केट को बेचे, तो फिर अगर मार्केट अगर यही एरिया में अगर वापस आता है, यही एरिया में वापस आता है तो मुझे बताओ इंस्टीट्यूशनल नहीं खरीदेगा, कंफर्म खरीदेगा। आप ये पेट्रोल वाले एग्जांपल से आप ले सकते हो, ठीक है, कि कंफर्म खरीदेगा, आप ही इंस्टीट्यूशनल के जगह पर रह करके एक बार देखो तो ऑर्डर फ्लो कर क्या रहा है, ऑर्डर फ्लो हमें वो एरिया दे रहा है जहां से मार्केट कंफर्म बाय होगा, बाइंग कंफर्म होगा, ठीक है, ये मैं भी आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, ऑर्डर फ्लो कौन सा एरिया दे रहा है जहां पर बाइंग कंफर्म होगा, तो इसके पीछे का साइकोलॉजी कि ऑर्डर फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऑर्डर फ्लो यहां पर बस मार्केट टैप किया ऑर्डर फ्लो पे, तुरंत मार्केट ऊपर भाग गया, रियल मार्केट में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ओके, हम लोग रियल मार्केट में देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं गाइस, अभी देख सकते हो हमारे पास में ये एक चार्ट है, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले कोई भी अगर आप चार्ट देखते हो सबसे पहले उसमें मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, ठीक है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, उसके बिना तो यार शुरुआत कभी भी मत करना, ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर को लो, ठीक है, ड्रॉ करो, देखो क्या है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई यहां पर नहीं, हायर हाई कुछ इधर है, ठीक है, हायर हाई कुछ इधर है, फिर हायर लो कुछ उधर बनेगा, ठीक है, वो क्या बात है। अब ये मैंने इस तरह से कैसे ड्रॉ किया, मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखो, फिर वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसमें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, गलत तरीका, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं, ठीक है, अब अगर मैं पूछूं तो यहां पर मेरा ऑर्डर फ्लो कौन सा है, लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, किसमें लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, तो आपका होना चाहिए ये वो है जो लास्ट सेलिंग एरिया है, कौन सा, ये है, ठीक है, सिंपली क्या करो, यहां से लो और ये ड्रॉ कर दो, क्या करना आपको, ड्रॉ करना है, ठीक है, कहां से, यहां से, इसके हाई से, ठीक है, ड्रॉ कर दो, ठीक है गाइस। अभी आप बोलोगे कि सर एरिया तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनेगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा ठंड रखो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, इसको रिफाइन करके कुछ इस तरह का एरिया में निकाल के आपको दूंगा,
ठीक है, डोंट वरी, अभी इसको लो पूरा एरिया, ठीक है, ये एरिया में पूरा सतर्क हो जाओ, ठीक है गाइस। देखो मार्केट ऊपर गई, पर देखो ऊपर जाने के बाद में जब मार्केट नीचे आई, ये एरिया को बस टच की, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर टच की, फिर देखो ऊपर चली गई। तो आप देख सकते हो, मुझे बताओ, ठीक है, एक बार दो बार टच की, और देखो मार्केट फिर अच्छा खासा ऊपर गई, ठीक है, मार्केट फिर क्या अच्छा खासा, क्यों? क्योंकि वेल्स को लग रहा था, ठीक है, कि ये एरिया क्या सस्ता है, ये एरिया क्या सस्ता है, ये एरिया वो है, ठीक है, जो उसे लग रहा था सस्ता, वो दो तीन बार ये एरिया पे कंफर्म खरीदारी करेगा, ठीक है। पहला बार तो कंफर्म, देखो ऑर्डर फ्लो हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो, पहला बार के लिए ही होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर इधर तो तोड़ दिया, अरे यार ये जन्म जन्मांतर के लिए थोड़ी ना काम करेगा, ठीक है, एक दो बार काम कर दिया ना, खुश हो जाओ, ठीक है, ये हमेशा काम नहीं करता है। अब इसके लिए अलग ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, सब सारी चीजें अलग अलग होंगी, हर बार हर मूव के लिए ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, जितनी भी चीजें होती हैं एसएमसी में, सब कुछ नया बनता है, ठीक है। तो यहां पे बता रहा हूं, देखो मार्केट हल्का सा टैप किया, मार्केट ऊपर, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं गाइस। अब आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, यहां पे देख सकते हो मार्केट क्या, मार्केट एक अपट्रेंड में है, मार्केट क्या एक अपट्रेंड में है, बोलोगे हाँ। अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए बोलूं तो कैसे होगा स्ट्रक्चर मार्क, यहां से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई होगा, ठीक है, मतलब ये एरिया हमारा हायर लो है। अब मुझे बताओ यहां ऑर्डर फ्लो कौन सा है, मैं आपसे पूछता हूं, इसको मैं थोड़े टाइम के लिए मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये है नहीं एक्चुअल में, दूसरा कुछ था, ठीक है। आप मुझे बताओ यहां पर कौन सा है ये मूव में, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट में ही हमें या पुल बैक, इसे क्या बोलते हैं, पुल बैक, पुल बैक में ही हमें ढूंढना है क्या ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा। तो लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है ये बता दो, लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, ठीक है। तो आप कौन सा है, मैं आपके पास में ऑप्शन देता हूं, ठीक है, ये है कि ये है, दो एरिया मैंने आपको दिया, ये किए, ठीक है, यहां पे है ना कुछ ना एरिया इस तरह, देखो यहां पर ऐसे है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया। तो मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये है, ठीक है। मार्केट देखो यहां पे क्या हुआ था, यहां पर वेल्स एंट्री किया था, यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने एंट्री किया था, ठीक है, वरना इतना बड़ा कैंडल क्या लगता है हमसे और आपसे बन जाएगा, इतना बड़ा कैंडल कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कभी नहीं बनेगा, ठीक है, सारा जमीन जायदाद भी अगर बेच दोगे ना फिर भी नहीं बनेगा यार, ठीक है, फिर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से ऑर्डर फ्लो बनाना है, ऑर्डर फ्लो, और फिर क्या हुआ ऑर्डर फ्लो बनने पे, ठीक है, फिर क्या हुआ ऑर्डर फ्लो बनने पे, देखो मार्केट आया, मैं आपको दिखाता हूं जूम करके, ठीक है, मार्केट देखो आया, और ये वीक देखो, दिख रहा है वीक, ठीक है, ये वीक को देखो, देखो और जूम करके दिखाता हूं मैं, देखो ये वीक, ठीक है, ये वीक क्या किया, टच किया, और फिर मार्केट ऑर्डर फ्लो के एरिया में टच किया, और क्यों, क्योंकि वो ये वो एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशनल ने ट्रेड लिया था, ठीक है, अब वो ट्रेड लिए हैं तो, और फिर प्रॉफिट कहां बुक किया, यहां पे बुक कर लिया, ठीक है, ट्रेड लिया यहां पे, प्रॉफिट बुक किया यहां पे, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया तो वो एरिया में आया तो फिर से वो एंट्री लेगा, ठीक है, फिर से क्या वो एंट्री लेगा, ठीक है, फिर से क्या वो एंट्री लेगा। देखो गाइस इतना बड़ा एरिया यहां निकालने का और ऑर्डर फ्लो यहां बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई करोड़ों में पैसे लगा रहा है, ठीक है, करोड़ों में पैसे लगा रहा है, तो क्या लगता है वो एक ही बार पैसे लगा देता है, उसका क्या ऑर्डर फील हो जाता है, नहीं होता है। देखो कैसे वो एंट्री करता है, सो कुछ यहां पे खरीदा, कुछ थोड़ा सा ऊपर, कुछ थोड़ा सा ऊपर, कुछ थोड़ा सा ऊपर, कुछ थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से वो खरीदता है, इसीलिए इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो बन जाता है, ठीक है, इसलिए क्या इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो बनता है, ठीक है, फिर मार्केट देखो ऊपर। तो उम्मीद करता हूं गाइस यहां से चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो कैसे बनाए, क्या ये हमारा क्या हो गया अप ट्रेंड में, ओके, अप ट्रेंड में हो गया गाइस। देखो अब आपको ये देखो, अब आप बोलोगे ये अप ट्रेंड के लिए है,
ये क्या, ये तो अप ट्रेंड के लिए था, अब इसे डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो कैसे पहचानेंगे भाई? सेलिंग में भी तो ऑर्डर फ्लो होगा, डाउन ट्रेंड में भी। तो सिंपली क्या करो, इसको बस उल्टा कर दो, ठीक है, सब कुछ बस उल्टा कर दो, ये सब को मीनिंग को अभी मत लो, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, यहां से बस समझो, ओके, यहां से बस समझ लो, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो कैसे निकाले, सिंपल सा बात है, लास्ट बाइंग एरिया बिफोर सेलिंग, मार्केट गिरने से पहले, ठीक है, वो लास्ट वाला खरीदारी वाला एरिया, लास्ट बाइंग एरिया, लास्ट बाइंग एरिया बिफोर सेलिंग, मार्केट गिरने से पहले, समझो बात को, ठीक है, मार्केट यहां से मार्केट गिरा नीचे की तरफ, ठीक है, गिरने से पहले जो लास्ट बार जो खरीदा गया ना, देखो ये लास्ट बार खरीदा गया था, अब देखो मार्केट यहां से गिरा है, मार्केट देखो मार्केट गिर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो लास्ट खरीदने वाला एरिया ये है। चीजों को बस उल्टा कर दो, देखो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अगर इस तरह करके अगर सीखने लगे ना, ठीक है, तो पागल हो जाओगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है, कि मार्केट में एंट्री कहां हुआ है, लास्ट सेलिंग एरिया बिफोर बाइंग अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए लास्ट बाइंग एरिया, लास्ट क्या, बाइंग एरिया, पुल बैक, हमेशा देखो पुल बैक किधर का है, उसका ऊपर या नीचे का चोटी को ले लो, ठीक है, चोटी का एरिया को ले लो, काम खत्म, ठीक है, ऑर्डर फ्लो उसे ही कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर एग्जांपल बोलोगे तो वो भी दिखा देता हूं, एग्जांपल डायरेक्ट दिखा देता हूं मैं। तो गाइस अभी हमारे पास में क्या है, छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहां पर एक हमारे पास में डाउन ट्रेंड है, इसका हम लोग देखते हैं एग्जांपल, देखो ये है हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो है, ठीक है, ओके। अब आप यहां पर देखो, ठीक है, लास्ट बाइंग एरिया कौन सा है यहां पर, यहां पर अगर मैं पूछूं इतना भर में, ठीक है, इतना में तो लास्ट बाइंग एरिया कौन सा है, तो आप बोलोगे ये है लास्ट बाइंग एरिया, ओके, सही है। इसको क्या करो, वहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ कर दो, क्या, देखो यहां से यहां तक ड्रॉ किया मैंने, देखो मार्केट यहां पर आई, मार्केट नीचे गई, नीचे गई, ठीक है, अब इसका काम हो गया खत्म, एक बार मार्केट अगर वो एरिया को टच कर दे, काम खत्म। अब देखना है कि दूसरा, जब ये मार्केट ने लोअर हाई लगाया, तब इसमें मतलब क्या, इसमें लोअर हाई कौन सा है, सॉरी इसमें ऑर्डर फ्लो कौन सा है, लास्ट बाइंग एरिया कौन सा है, तो आप बोलोगे ये है, लास्ट बार जो बाइंग हुआ था वो इसमें हुआ था, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है, तो सिंपली सा यहां से क्या करो, एक यहां से यहां तक का बना दो एक ऑर्डर फ्लो, देखो मार्केट आई, टैप की, मार्केट नीचे। तो गाइड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया होगा। गाइड्स अगर आ गया है तो एक कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है। हेलो गाइस, गाइस आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को जीरो से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हम शुरू करेंगे एकदम पूरा बेसिक से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है यहां से शुरू करेंगे, ओके, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मीनिंग को। ऑर्डर ब्लॉक दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है ऑर्डर और दूसरा है ब्लॉक। ऑर्डर का मतलब है कि जो भी लोग खरीद बिक्री करते हैं उसके लिए लोग ऑर्डर लगाते हैं, जैसे कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है। और ब्लॉक का मतलब होता है गड्ढा, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि जाम, ब्लॉक का मतलब कुछ वैसा होता है ना कि पानी को ब्लॉक कर दो, मतलब क्या, पानी को रोक दो, ब्लॉक कर दो, उसी तरीके से मार्केट में ब्लॉक का मतलब होता है बहुत बड़ा सा गड्ढा या फिर जाम कर देना, मतलब ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर। अगर आप इसे डीपली में समझोगे तो वैसा ऑर्डर जो बहुत बड़ा है, जाम किया हुआ ऑर्डर है, मतलब देखो कहीं पर अगर पानी को अगर जाम कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो पानी क्या हो जाती है, पूरा जम जाती है, जम जाएगी। अगर आप अगर कोई अगर नाली है, ठीक है, उसे ब्लॉक कर दो या फिर कोई नहर को ब्लॉक कर दो, तो क्या होता है, पानी पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके से कोई ऑर्डर को ब्लॉक कर दो और बहुत बड़ा सा एक क्या कर दो, ऑर्डर बन जाएगा, बहुत सारा ऑर्डर, उसे ही कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, ये वो ऑर्डर होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, मतलब
मतलब सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा सा ऑर्डर। ये बहुत बड़ा सा ऑर्डर कौन ला सकता है मार्केट में? ये ला सकते हैं व्हील्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बैंक्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, ठीक है, ये लाते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर पिछला वीडियो में तो आपने पढ़ाया था ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो में भी तो हम लोगों ने यही देखा था कि कहां पर मार्केट में लोग और इंस्टीट्यूशनल जो है सो कहां पर एंट्री कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कहां पर एंट्री कर रहे हैं। अभी भी तो आप यही बोल रहे हो, बहुत बड़ा सा ऑर्डर कहां है। देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके देगा। सिंपल सी, हाँ लॉजिक समझो। ऑर्डर फ्लो देखो, आपने पिछला वीडियो में ऑर्डर फ्लो देखा था, ये था ऑर्डर फ्लो। अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देखो। ये क्या था हमारा? ऑर्डर फ्लो था। अब ये इतना बड़ा सा एरिया में कोई एक छोटा सा एरिया निकाल करके, आपको कुछ इस तरह का छोटा सा एरिया निकाल करके ऑर्डर ब्लॉक देगा कि ये एरिया में आपको एंट्री लेना है। कितना अच्छा सा बात है, सोचो ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेना एक टफ चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एरिया है। इतना बड़ा एरिया में कहां पर एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस भी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। पर ये इतने बड़े से एरिया में एक छोटा सा एरिया निकाल करके देगा आपको ऑर्डर ब्लॉक। तो समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक मतलब सिंपल सी बात है, खास खास इंस्टीट्यूशनल कहां घुसा था, एग्जैक्ट वो एरिया आपको निकाल के देगा जहां पिछला बार इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री किया था। समझो बात को, ठीक है, पिछला बार एंट्री किया था। और ये एक बहुत हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। आज समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। और देखो, नाम से ही ऑर्डर फ्लो हो गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नाम से ही सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। एक में बहता है ऑर्डर, मतलब बहुत बड़ा सा, बहना मतलब बड़ा सा, और एक में ब्लॉक होता है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है, ठीक है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके एक छोटा सा एरिया निकाल करके हमें ऑर्डर ब्लॉक देता है, ठीक है। गाइज, उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने यहां लिखा भी है रिफाइन ऑफ ऑर्डर फ्लो, रिफाइन ऑफ ऑर्डर फ्लो, रिफाइन रिफाइन कर देता है ऑर्डर फ्लो को, रिफाइन करके हमें देता है, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि एग्जैक्टली हम लोग पहचानेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक को, क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो समझ में आ गया, हम लोग पहचानेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक को। चलो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे और समझेंगे। गाइड से देखो, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, अगर मैं पूछूं तो ये क्या हमारा एक ऑर्डर फ्लो है? गाइड्स, अगर मैं पूछूं तो क्या ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि ये पुल बैक है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब ये एरिया में ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल सा अगर मैं बात बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो कैंडल जो मार्केट में सबसे नीचे हो, समझो बात को, वो कैंडल जो मार्केट में क्या, वो ऑर्डर फ्लो के अंदर जो सबसे नीचे वाला जो कैंडल होगा ना, सबसे लास्ट वाला कैंडल या फिर सबसे ऊपर वाला कैंडल होगा उसी, समझो, समझो बात को। देखो ये इतना सारा कैंडल है, इसमें सबसे लो कौन सा कैंडल लगाया है, अगर मैं आपको मैं यहां जूम करके दिखा दिया हूं, इतना ये सब कैंडल में सबसे लो किसने लगाया, तो आप बोलोगे ये, तो ये हमारा कैंडल बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसे ग्रीन रेड कोई कलर से मतलब नहीं है, बस दिमाग में एक चीज बैठा लो, क्या, कि ऑर्डर फ्लो के अंदर सबसे नीचे वाला कैंडल या फिर सबसे ऊपर वाला कैंडल। अब ऊपर वाला कैंडल कब बनेगा? जब ये बियरिश मार्केट होगा। अभी ये क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, इसीलिए नीचे वाला कैंडल, ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड में सबसे क्या, डाउन ट्रेंड में सबसे ऊपर वाला कैंडल, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। देखो अब मैं अगर बताऊं, ठीक है, जिस तरह देखो अप ट्रेंड है, सॉरी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है, देखो यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल देखो, ये सबसे ऊपर वाला कैंडल, ये हरा कैंडल जो है ना, हरा कैंडल यहां पे,
ठीक है, जिसकी हाई सबसे ऊपर है, जिसका वीक सबसे ऊपर है, वो कैंडल हमारा क्या होगा, वो होगा क्या, वो होगा हमारा सिंपल सा समझ लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने बताया जनरल कॉन्सेप्ट, ये क्या बताया जनरल कॉन्सेप्ट बताया। इसको देखो ऑर्डर ब्लॉक में भी दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और ये होता है लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि क्या आपको समझ में आए, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बस यहां से बस इतना समझ लो, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो के अंदर जो सबसे लास्ट वाला कैंडल होगा, जिसका लो, सबसे लास्ट वाला कैंडल नहीं, फिर से समझो, सबसे लास्ट कैंडल नहीं, वो कैंडल जिसका लो सबसे नीचे गया हो, जिसका लो, समझो बात को, जिसका वीक वीक सबसे नीचे गया हो, ठीक है, वो कैंडल को ले लो, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो, चाहे बुलिश कैंडल हो, चाहे बेरिश कैंडल हो, डजंट मैटर। ये क्या अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में जो सबसे ऊपर में हो, जो सबसे ऊपर में हो, जिसका वीक सबसे हाई गया हो, बात खत्म। डोंट वरी, हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे समझो बात को, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या ये डोजी, यहां पे क्या ये डोजी, देखो डोजी का वीक जो है सो सबसे लो है, सबसे नीचे है, ठीक है, ये डोजी हो गया। ठीक है, कहीं पे भी ऑर्डर फ्लो में से ऑर्डर ब्लॉक निकालने का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी सर। देखो यहां पे है, यहां पे इसमें कौन सा कैंडल, इसमें बताओ मुझे, ये लास्ट वाला रेड कैंडल, ठीक है, लास्ट वाला रेड कैंडल, ओके, लास्ट वाला रेड कैंडल, ओके। उम्मीद करता हूं गाइस कि चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। इतना जान जाओ ना कि वो कैंडल जो जिसका हाई या लो हो, वो कैंडल जिसने सबसे लो लगाया हो, या फिर वो कैंडल जिसने सबसे हाई लगाया हो, सिंपल सा बात है, काम खत्म, ओके। अब मैं बात करता हूं ये लो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का नियम बताता हूं, ठीक है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का नियम बताता हूं। उसमें दो क्वालिटी होगा, एक होना चाहिए इंबैलेंस, इंबैलेंस, और एक होना चाहिए स्वीप हाई। तो सबसे पहले हम लोग इंबैलेंस को देखते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा इंबैलेंस के बारे में, ठीक है, आज मैं समझाता हूं इंबैलेंस क्या होता है। गाइस देखो, इंबैलेंस देखने के लिए हमें तीन कैंडल की आवश्यकता पड़ती है, इंबैलेंस देखने के लिए तीन कैंडल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इंबैलेंस कैसे होता है, देखो पहला कैंडल ले लो, इसको तीन कैंडल की इसमें जरूरत होती है वो बता रहा हूं। पहला कैंडल का जो हाई होगा, अब इसका हाई कौन सा है वो मुझे बताओ, इसका हाई कौन सा है ये पहला कैंडल का मुझे बताओ। तो पहला कैंडल का बोलोगे हाई ये है, ये है हाई, ठीक है, रुको इसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूं, ओके, ये हाई है। और तीसरा कैंडल का, दूसरा छोड़ करके तीसरा कैंडल का लो कौन सा है, तो आप बोलोगे यहां पर इसका वीक है, ये इसका लो है। दोनों के बीच में गैप है, तो है गैप, कितना गैप है, ये गैप है, ये गैप ही है ना, दोनों के बीच में ये गैप है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में अगर गैप है पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में, तो इसे बोलेंगे इंबैलेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंबैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंबैलेंस होना चाहिए, अगर होगा तो बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो ये कैंडल जो है ना बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, अगर इसके भी अगर इसमें इंबैलेंस होगा। तो इंबैलेंस पहचानने का सिंपल सा एक नियम है, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में हाई में और लो में गैप होना चाहिए। इसका हाई वीक एकदम पर वीक का चोटी ले लो और इसका वीक का लो ले लो, ठीक है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और तीसरा होना चाहिए स्वीप हाई या लो, ठीक है, स्वीप मतलब कि सिंपल सा बात है कि स्वीप हाई या लो, बाद में बताऊंगा, पहले इंबैलेंस समझाता हूं, ठीक है, इंबैलेंस समझाता हूं अभी आपको मैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल दे करके मैं समझाता हूं आपको इंबैलेंस। देखो अभी मैं आपको इंबैलेंस समझाता हूं, ओके, ओके गाइड से देखो, ठीक है, ये हमारा क्या था, ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो के अंदर मैंने क्या बोला था, वो कैंडल लो, ठीक है, जिसका जिसने क्या सबसे नीचे लो लगाया हो, जिसने क्या सबसे नीचे लो लगाया हो, ये मैंने बोला था,
दैट इज गुड, दैट इज परफेक्ट, ओके। पर दूसरा चीज हमें क्या देखना है कि इम्बैलेंस है क्या इसमें, दूसरा क्या देखना है, इम्बैलेंस है क्या इसमें। चलो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का था, देखो ये कैंडल है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं इसको मैं हटा देता हूं, ओके ओके। हमारा कैंडल कौन सा है, हमारा कैंडल ये वाला कैंडल मैंने बोला था। अब इसके लो को, हाई को सबसे पहले ऊपर में लाइन की, ठीक है, और इसके बाद में तीसरा कैंडल, ठीक है, दूसरा तीसरा, तो ये तो कैंडल का लो तो यहां है, ये कैंडल का लो कहां है, यहां है ना। देखो हमें तीसरा कैंडल का लो लेना था ना, तीसरा कैंडल का लो यहां पे है, तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है। इसका हाई यहां पे है, इसका लो, अगर इसका ये तीसरा कैंडल का हाई कुछ इधर रहता तब इंबैलेंस रहता, ठीक है, अभी इंबैलेंस नहीं है, इसका लो तो यहां लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इंबैलेंस नहीं होगा। पर अगर ये कैंडल अगर इंबैलेंस नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे, ये कैंडल इंबैलेंस नहीं है, इसको छोड़ दो, ये फिर उतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा देखो, नेक्स्ट कैंडल पे क्या इसमें इंबैलेंस है, हम लोग ये देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ये देखने का क्या ट्राई करेंगे, ओके, ये देखने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके हाई पे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और जो है सो तीसरा कैंडल, पहला दूसरा और तीसरा कैंडल ये होता है, इसके लो से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, अब इसके बीच में क्या इंबैलेंस है, तो आप बोलोगे हाँ है इंबैलेंस, क्या है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर इंबैलेंस है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, पर लो ये कैंडल ने लगाया था, समझो बात को, लो ये कैंडल ने लगाया है, इंबैलेंस अगला कैंडल में है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करें वो बता रहा हूं मैं। जब अगर इस तरह देखो, अगर दोनों अगर एक कैंडल में हो, समझो बात को, वही कैंडल सबसे नीचे लो भी लगाया हो, ठीक है, और वही कैंडल जो है सो वही कैंडल पे इंबैलेंस भी हो, तो फिर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। पर अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, अगर अलग अलग कैंडल पे दोनों बनता है, तो सिंपली क्या करो, ये पूरा ये कैंडल का हाई ले लो, ओके, ये कैंडल का हाई ले लो और पूरा का पूरा नीचे तक ड्रॉ कर दो, ये दूसरा कैंडल को इसी में कवर कर दो, ठीक है, फिर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा और ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये दोनों कैंडल को मिला दो, दोनों कैंडल को, कौन कौन कैंडल को आपको मिलाना है, ये पहला कैंडल और ये एक दूसरा कैंडल को, दोनों कैंडल को मिला दो, ठीक है, ये दोनों कैंडल को, बात खत्म, ठीक है, ये कैंडल को और ये कैंडल को दोनों को मिला दो, और दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करो, ओके। तो ये हमारा बन गया एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक, और अब हम लोग देखते हैं क्या ये काम करता है, चलो देख लेते हैं, देखो काम किया कि नहीं किया, यहीं पे देख लो, काम किया, ठीक है गाइस। देखो पहले ऑर्डर फ्लो कितना था, ऑर्डर फ्लो था हमारा इतना, अगर पिछला वीडियो देखा होगा उसमें यही इसी को मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, ऑर्डर फ्लो हमारा इतना था, ठीक है। इसमें से ऑर्डर फ्लो में से एक छोटा सा एरिया आपको निकाल करके दे दिया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया, ये पूरा एरिया बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहां पर ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक का पहला इंबैलेंस का नियम, ठीक है। और दूसरा जो है सो, दूसरा जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका स्वीप हाई, हाई या लो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो कैंडल होगा ना वो हाई या लो, ठीक है, किसी भी कैंडल का स्वीप करना चाहिए, मतलब कि हाई को स्वीप करना चाहिए। अब स्वीप यहां बोलने का मतलब है ढक देना चाहिए, फिर तोड़ देना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर देखो, देखो यहां पे, ओके, अब मैं आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, ठीक है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी आपको मैं बोलूं कि इतना 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 बड़ा कैंडल पे, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में वो कौन सा एरिया है, कौन सा कैंडल है जिसने सबसे हाई लगाया है, क्या ये वाला कैंडल है, ये कैंडल,
क्या ये कैंडल है, ये कैंडल कौन सा, ये वाला, ये जो यहां पर हमारा जो डोजी बना हुआ है, ठीक है, इसका हाई यहां पे। पर आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल यहां पर जो, यहां एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस ये यहां पर जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने, देखो ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को तोड़ करके यहां पर एक हाई बनाया, कहां पर, यहां पर एक हाई बना दिया ऊपर में, ठीक है, ऊपर में एक हाई बना दिया, क्या बना दिया, हाई बना दिया। तो हमारा सबसे ऊपर, सबसे हाई, हाई बनाने वाला कैंडल कौन सा है, वो है ये ग्रीन कैंडल, ओके। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे इसमें इंबैलेंस, क्या चेक करेंगे, इंबैलेंस, ओके, इंबैलेंस चेक करेंगे, ओके, ग्रीन कैंडल है, ओके गाइस, इसमें इंबैलेंस नहीं है, क्यों, क्यों इंबैलेंस नहीं है, इसका लो यहां पर है, तीसरा कैंडल हमारा ये है, पहला दूसरा तीसरा कैंडल हमारा ये है, और इसका हाई यहां पे है। अब आप बोलोगे कि इसमें आप हाई बोल रहे हो, अरे यार हाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग डाउन ट्रेंड का देख रहे हैं, उस वक्त मैंने बताया था अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंबैलेंस नहीं है, अगर ये कुछ इधर रहता, ठीक है, तब इंबैलेंस होता, अभी इंबैलेंस नहीं है, इसके हाई को, इसके लो को मार्केट ने स्वीप कर दिया है, इसके लो को क्या, मार्केट ने, कौन सा कैंडल ने, ये कैंडल इसका मार्केट देखो ये ऊपर है, बल्कि ये लाइन से अगर ये कैंडल नीचे रहता ना, और इसका विक भी नीचे रहता, तब ये कहलाता अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, पर फिर भी इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, पर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे स्वीप कर गया, ठीक है, यहीं पे क्या, स्वीप कर गया, ये कैंडल ने इसे तोड़ दिया। देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करेगा आपका, ठीक है, याद रख लो इस बात को, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करेगा, दोबारा काम नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं कि ये रामबाण बन गया आपका हमेशा के लिए सपोर्ट। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया गया, इसने तोड़ दिया, ये कैंडल गया, देखो यहां पर क्या हुआ, सो समझो बात को, ठीक है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट टूट गया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म, अब ये ऑर्डर ब्लॉक का आपकी लाइफ में काम नहीं है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करता है, ठीक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था पर मैं भूल गया था बताने के लिए, ठीक है। अब हमें दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तो हमारे पास में एक और ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, वो ऑर्डर ब्लॉक है ये कैंडल का, अब मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला, अब मुझे आप बताओ मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि देखो इसका बहुत सारा रीजन है ऑर्डर ब्लॉक बोलने का, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए जो मेन रीजन चाहिए वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि देखो ये क्या, इसने जो है सो स्वीप कर दिया है हाई ये कैंडल का, ये जो हमारा यहां पर रेड कैंडल है इसके हाई को तोड़ दिया और ऊपर चला गया है, ऊपर कितना गया है, ऊपर थोड़ा सा गया है। तो यही बात मैं बोलना चाहता था इधर, ठीक है, पर मुझे एग्जांपल मिला ही नहीं, यहां पर जो मैंने लिखा है ना, यहां पर जो स्वीप हाई लिखा हुआ है ना, ये वही है, ठीक है, कि वैसा कैंडल जो अपने अगले कैंडल का, अपने पिछले कैंडल का क्या, अपने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे या उसके लो को ब्रेक कर दे, क्या हाई या लो को ब्रेक कर दे, वो एक बहुत अच्छा कैंडल माना जाता है, सबसे अच्छा कैंडल। अगर आप बोलोगे ये चीज जरूर जरूर होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसने क्या किया, सो अब मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा कैंडल है, ठीक है, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इसके भी हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसने ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, कि दो कैंडल, पहला ये कैंडल और दूसरा ये कैंडल, ये दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, इसे ही कहते हैं स्वीप करना, ठीक है, हाई को ब्रेक करना,
ठीक है, ये दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। ओके गाइस देखो, समझने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, बस तीन चार चीजें इसमें हैं। ठीक है, पहला इंबैलेंस चेक करो, ठीक है, दूसरा स्वीप करना चाहिए, मतलब किसी भी कैंडल का सबसे हाई को ब्रेक कर दे और लो को ब्रेक कर दे, सिंपल सा बात है, स्वीप कर दे, हाई या लो को ब्रेक कर दे, दो चीजें रख लो दिमाग में, काम खत्म। ठीक है, और तीसरा चीज कि ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करता है, बार बार काम नहीं करता है, बस एक बार। ठीक है, तो ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखो गाइस, यहां पर क्या किया इसने, पिछला कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। खास करके आपको वैसा कैंडल लेना है जिसने किसी भी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो को ब्रेक कर दिया है, वो एक बहुत अच्छा क्या ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। देखो गाइस, अभी आपका थोड़ा सा माथा चकरा रहा होगा, ठीक है, पर सब में यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए देखो, यहां पर हम लोगों ने पहले एग्जांपल से ही बताता हूं, इसने क्या किया है, ये जो मैंने जिसको ऑर्डर ब्लॉक माना था, ये जो डोजी को, ठीक है, इसने किया क्या था, इसने देखो सारे कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया है। ये कैंडल का जितना भी कैंडल है यहां पर, देखो ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, सबके लो को क्या कर दिया इसने, ब्रेक करके एक नीचे लो लगाया है, नीचे क्या, स्वीप करके लो लगाया है, वही बात है, स्वीप लो, स्वीप हाई, बात खत्म। नीचे के ब्रेक, नीचे के लो को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। अगर एक भी कैंडल के अगर लो को कोई कैंडल अगर ब्रेक करता है तो वो एक अच्छा क्या ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, समझ रहे हो, किसी भी एक भी कैंडल को, अगर चार पांच कैंडल को करता है बहुत अच्छा बात है, पर अगर एक भी कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ये बात समझो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है ये समझो थोड़ा सा। ठीक है गाइस, देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते करते आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी मेरे को पता है मेरे को थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा आपको, ठीक है, पर चीजें प्रैक्टिस करने से आपकी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो अभी हमें क्या देखना है, सो बता रहा हूं, ये हमारा एक पुल बैक है, देखो मार्केट ने क्या किया गाइस, ये 4 आवर है, ठीक है, 4 आवर का कैंडल, इसीलिए एक पुल बैक है ये, देखो मार्केट, मार्केट इस तरह से मूव करते हुए नीचे जा रही है, जा रही है, हाँ जा रही है। अब हम लोग ये कैंडल पे फोकस करो तो समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको क्या ये मार्केट ने खा गया, ये मार्केट देखो, ये मार्केट हिट कर दिया, काम खत्म, क्या काम खत्म। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ये कैंडल, ये कैंडल एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों है वो बताता हूं। ये कैंडल को सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, ये कैंडल हो गया, ठीक है, ये कैंडल में हमें ऑर्डर ब्लॉक में हमें क्या क्या देखना होता है कि जो हाई या लो को स्वीप कर दी इसने, देखो ये कैंडल दो तीन 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 कैंडल के हाई को ब्रेक किया इसने, तीन कैंडल के हाई को, कौन कौन सा कैंडल, एक ही हमारे पास में ये डोजी है, कौन सा, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, ठीक है, देखो ये हमारे पास में एक डोजी है, ठीक है, इसका हाई को ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, इसका हाई को, इसका हाई कहां था, यहां था, इसका हाई को ब्रेक किया है और इसका हाई को ब्रेक किया है, तीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, पहला बात। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे इंबैलेंस, कि क्या इसमें इंबैलेंस है, तो अब देखो इसने लो कहां लगाया है, इसने लो यहां पे लगाया है, इसने लो यहां पे लगाया है। अब तीसरा कैंडल, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कैंडल यहां है, ये तीसरे कैंडल का हाई कहां पर है, तीसरे कैंडल का हाई यहां पे है, देखो ये तीसरा कैंडल छोटा सा डोजी है जिसका हाई यहां पे है। अब दोनों के बीच में गैप है, तो आप बोलोगे हाँ है गैप, थोड़ा सा ही गैप क्यों ना रहे, पर रहना चाहिए, तो इसे बोलते हैं इंबैलेंस। अब अगर ये दोनों चीज इसमें मिल गया, इसने स्वीप, इसने हाई को स्वीप कर दिया है, इंबैलेंस है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, बस बात खत्म। ये मैंने अप ट्रेंड में दिखा दिया, एक मैंने आपको डाउन ट्रेंड में दिखा दिया, उम्मीद करता हूं गाइड्स की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप जो है सो कमेंट करना, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल एग्जांपल्स होंगे, जिसमें केवल एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। और मैं देखो गाइड्स यहां पर फिर देखो क्या हुआ, सो देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट फिर यहां से नीचे आई, फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, फिर मार्केट नीचे, ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, हिट किया, फिर नीचे गया, तो देखो काम करती है ऑर्डर ब्लॉक। पहला सीन में भी यहां पर भी आपने देखा था, और मैं दिखाता हूं आपको। तो गाइस मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का बताया है, इसीलिए मैं भी बहुत बार क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, पर कंफ्यूजन मत लो, ठीक है,
अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा बस शांति दिमाग से सोचो, ठीक है, कि हाई लो में कन्वर्ट हो जाएगा, लो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में अगर इस तरह से मार्केट हो, ठीक है, और यहां पर कोई कैंडल होगा, अगर कहां पे, यहां पे अगर कोई कैंडल होगा, ठीक है, तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, स्वीप लो। और यही इसी को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, देखो यहां से इन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, उल्टा बस मैंने कर दिया। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हाई ब्रेक होना चाहिए, इसमें क्या हाई, ऊपर की तरफ क्या होता है, हाई होता है। इसमें अगर कोई कैंडल किसी दूसरे कैंडल का हाई ब्रेक करता है, ये एक बहुत अच्छा क्या, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ओके। और इसी को अगर मैं बस उल्टा कर रहा हूं, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, बस उल्टा और सीधा कर रहा हूं, ठीक है, इसमें, और इसी को अगर मैं उल्टा अप ट्रेंड में कर दूं, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड का था, अप ट्रेंड में कर दूं, तो लो ब्रेक होना चाहिए। बस इतना जान जाओ कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, इंबैलेंस हो और किसी दूसरे कैंडल का हाई या लो स्वीप करना चाहिए, इंबैलेंस हाई लो, ठीक है। उसी तरीके से इंबैलेंस भी अप ट्रेंड में बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या कर रहे थे, डाउन ट्रेंड में हाई और लो को ले रहे थे, उसमें क्या लो और हाई को लेना है। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में पहला कैंडल का क्या ले रहे थे, हाई ले रहे थे, पहला कैंडल का क्या ले रहे थे, देखो अप ट्रेंड में ही पे दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है गाइस। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी तरीके का। देखो इसमें क्या कर रहे थे, पहला कैंडल का क्या कर रहे हैं हम लोग, हाई ले रहे हैं, और तीसरा कैंडल का क्या ले रहे हैं, लो ले रहे हैं। इसी को अगर मैं अप ट्रेंड में कर दूं, अप ट्रेंड में जब हम लोग यहां पे देख रहे थे, ठीक है, अप ट्रेंड में जब हम लोग यहां पे देख रहे थे, तो हम लोगों ने कैसा देखा, पहला कैंडल का हम लोगों ने लो लिया और तीसरा कैंडल का हम लोगों ने हाई लिया। बस चीजों को थोड़ा सा उल्टा कर दो, ठीक है, काम खत्म। तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक बस इसी तरीके से निकाला जाता है। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक निकालने के लिए दो चीजें, इंबैलेंस और हाई या लो को स्वीप करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो गाइस। अब जो बाकी के जो पार्ट्स हैं और लेसन्स हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा गाइस। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था, 2 घंटे का वीडियो हो चुका है, इसीलिए ये वीडियो को हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। और गाइस चिंता मत करना यार, वीडियो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। बस जितना जल्दी आप यार कमेंट करोगे, जितना ज्यादा प्यार दोगे, उतना जल्दी वीडियो आएगा। और चिंता बिल्कुल भी मत करना, कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा, ठीक है। मैंने जो आपके साथ में प्रॉमिस किया है कि कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, मतलब कि कराऊंगा, और कंप्लीट सिलेबस होते होते यार आप मास्टर बन जाओगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि आप मास्टर बन जाओगे SMC। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। तो चलिए गाइस हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।